दोस्तों सभी को नमस्कार। और आज हम अपने एक वीडियो में बात करेंगे स्पीशीज की। जितने भी पेज व्यू आ चुके हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और उसका थ्योरी पॉइंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड्स के बारे में देखते हैं। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे बर्ड का नेम है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे करके आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड, कि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कोई बर्ड है या नहीं। अगर इट इज डिफरेंशिएटेड बाय कलर ऑन द नेक, ऐसे बोला होगा येलो थ्रेटेड क्रोस या येलो थ्रोटेड बुलबुल, यानी उसका थ्रोट का कलर ऐसे करके दे रखा होगा, तो आप समझ जाओ कि ये बर्ड है। ब्लैक नेक दिख रहे ऐसे करके, मतलब उसके नेक का कलर दे रखा है ब्लैक नेक क्रेन, तो ये क्या हो गया, ये भी बर्ड हो गया। और क्रेन से भी आप समझ जाओगे, जैसे कोई भी क्रेन देखती है तो फिर वो क्या होगी, बर्ड ही होगी। देन टर्नर, अगर कहीं पे बर्ड आ रहा है टर्नर, तो ये भी किसकी स्पीसीज है, बर्ड की। ओरिएंटल कहीं आ रहा है, जैसे ओरिएंटल वल्चर होती है ना, ये कर्सर आ रहा है जल्डन कर्सर, जो हमने देखी थी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और कहां पे पाई जाती है जल्डन कर्सर, श्रीलंका मलेश्वरा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में सेंसाचुलम हिल्स पे देखी थी, ठीक है। तो कर्सर हो गया, ओरिएंटल हो गया, या एक बर्ड आता है आपको बेलीड देखने को मिलेगा, है ना, बेलीड, तो बेलीड भी किसमें होता है, ये वर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे शुरू करते हैं। जितने भी पीवाई की वास्तव आ चुके हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, ये चार एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं और इसमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, नेचुरली फाउंड या नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जो है वो नेटिव है इंडिया के, है ना, मतलब हम लोग नेचुरली फाउंड है या फिर हम लोग जन्म स्थान है हमारा इंडिया, हम लोग और कहीं नहीं, हम लोग इंडिया में ही पले बड़े हैं और इंडिया में ही हैं। तो इसी तरह से एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स में कुछ नेचुरल हैबिटेट होता है और कुछ नेचुरली पाए जाते हैं और कुछ बाहर से लाए जाते हैं। तो इनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया। स्नो लेपर्ड, फ्लाइंग स्क्विरल, चीता एंड ब्लैक नेक क्रेन। तो ब्लैक नेक क्रेन ये नेचुरली फाउंड है इंडिया में, है ना, ये नेचुरली ही पाई जाती है और ये लद्दाख वगैरह में पाई जाएगी रीजन में, एंड इट इज एंडेमिक आल्सो। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर की स्टेट वर्ल्ड है ना, और ये एंडेमिक स्पीसीज बन चुकी है ब्लैक नेक क्रेन। तो ये नेचुरली फाउंड है। चीता, चीता अपने जो है एशिया में बहुत कम पाए जाते हैं, ईरान वगैरह में पाए जाते हैं, और इंडिया में कोई भी चीता नहीं पाया जाता, नेचुरली नहीं पाया जाएगा, है ना, तो चीता हो जाएगा गलत। चीता सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, अफ्रीका में। सो चीता इज रॉन्ग। देन वी हैव फ्लाइंग स्क्विरल। हाँ, तो फ्लाइंग स्क्विरल हमने देखा था, नाम दफा फ्लाइंग स्क्विरल, उसका नाम क्या था, नाम दफा फ्लाइंग स्क्विरल। तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि कहां पाया जाता होगा, नाम दफा में। एंड इट इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नॉक्टर्नल स्पीसीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, है ना, दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड नॉक्टर्नल स्पीसीज फ्लाइंग स्क्विरल। ज्यादातर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे, दिस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया। देन वी हैव स्नो लियोपॉर्ड। स्नो लियोपॉर्ड कहां पाया जाता है, ये हिमालय रीजन में पाया जाएगा, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा, सॉरी लद्दाख में, है ना, लद्दाख में स्नो लियोपॉर्ड देखने को मिल जाएगा, एंड दिस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया। बट ओनली की बात करें, इनमें से कौन सा ओनली फाउंड है, तो ओनली कोई नहीं, मतलब इंडिया के बाहर भी ये पाए जाते हैं और इंडिया में भी नेचुरली फाउंड होते हैं, जैसे कि स्नो लियोपॉर्ड, ये चाइना, नेपाल, भूटान सब जगह पाया जाएगा, तो ओनली नहीं होगा ये, सिर्फ कहां होगा, सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं पाया जाएगा स्नो लियोपॉर्ड, ठीक है। फ्लाइंग स्क्विरल, दिस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, और ये चीता, चीता पाया जाता है अफ्रीका में, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1, 3 एंड 4, ये हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं, ये है ब्लैक नेक क्रेन, इस तरह से होती है, हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स में पाई जाएगी,
एक सो कार वेटलैंड है, रामसर साइट है, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगी सो कार वेटलैंड। कहां पे ये? लद्दाख में। इम्पोर्टेंट है ये रामसर साइट है, इसी बार डिक्लेयर हुई थी सो कार वेटलैंड। एंड चाइना में भी आपको देखने को मिलती है, इंडिया में भी देखने को मिलती है। तो ऐसा पूछा जाए कि ब्लैक नेक क्रेन ओनली फाउंड इन इंडिया, ओनली नेचुरली फाउंड इन इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक नेक क्रेन आप देख सकते हो कहां दिख रही है, ये चाइना में भी दिख रही है। उसके बाद इसकी डाइट क्या है? तो वही ओमनीवोर है, मतलब ये इंसेक्ट्स भी खाती है और ये हर्बीवोर भी है ना। तो ब्लैक नेक क्रेन क्या है? ओमनीवोर हो जाएगी, कोई भी वर्ड आपसे पूछे तो वो ओमनीवोर ही होती है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रेडेटर जिससे कौन कौन खा लेता है? डोमेस्टिक डॉग, लेपर्ड, कैट, ये येलो थ्रोटेड मार्टिन। येलो थ्रोटेड मार्टिन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ब्लैक नेक क्रेन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और येलो थ्रोटेड मार्टिन भी हिली रीजन में पाया जाता है, तो इसीलिए इसे हमें याद रखना है। येलो थ्रोटेड मार्टिन इसे मार देगा ब्लैक नेक क्रेन को। फिर आप देख सकते हो ब्लैक नेक क्रेन कहां कहां नेचुरली फाउंड है, चाइना और इंडिया में। तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू मतलब जो अपना लद्दाख वाला रीजन है ना। मीडियम साइज क्रेन इन एशिया, तिब्बतन प्लेटू एंड रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड भूटान। अब भूटान भी आगे देखो, तो ये नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली नहीं हो सकता, बट नेचुरली फाउंड इन इंडिया है। देखो नेचुरली फाउंड इन इंडिया तो ये है, लेकिन आपसे बोला जाए कि ओनली, तो ओनली हो जाएगा यहाँ पे गलत। ओनली नहीं है, दिस इज नॉट एंडेमिक है ना, ये एंडेमिक स्पीसीज नहीं है ब्लैक नेक क्रेन। और जगह अगर ये खत्म भी हो गई तो हम और जगह से इसे ला सकते हैं, चाइना से ला सकते हैं, हम इसे भूटान से ला सकते हैं है ना। फिर ये वल्नरेबल स्पीसीज है, यानी इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, वल्नरेबल स्पीसीज है ये। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे सकते हैं ब्लैक नेक क्रेन के बारे में। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंडिया, चाइना, भूटान, तिब्बतन प्लेटू में ये ब्रीड करती है, ईस्टर्न लद्दाख में पाई जाती है, सो कार पैटर्न में होता है वहां पर पाई जाती है। फीड मेनली ऑन द लेफ्ट ओवर से राइस एंड पोटेटो फीड, तो राइस भी खाएगी, पोटेटो भी खाएगी और क्या खाएगी, ये इंसेक्ट्स वगैरह भी खा लेती है, इसलिए मैंने इसकी डाइट क्या बताई, ओमनीवोर है ना। मेजर विंटरिंग फ्लॉक्स एंड तिब्बत, चाइना, भूटान, इन सब आपको देखने को मिल जाएगा। स्मॉल विंटरिंग पॉपुलेशन फाउंड इन सांगीति एंड अरुणाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिल सकती है, तो लद्दाख से ही अरुणाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिल जाएगी, मेनली लद्दाख में पाई जाती है। एंडेमिक है क्या? एंडेमिक नहीं है, चाइना में भी पाई जा रही है और भूटान में भी ये पाई जा रही है। तो ब्लैक नेक क्रेन हमने देखी अच्छे से, ब्लैक नेक क्रेन के ऊपर दो बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लाइंग स्क्विरल देख लेते हैं, इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग स्क्विरल, सिमिलर टू साइज ऑफ रेड जायंट फ्लाइंग स्क्विरल, फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो स्टेटमेंट थ्री क्या है? करेक्ट है, ये नेचुरली फाउंड है इंडिया में। दे हैव अ ड्यूफस कोट, ग्रे अंडर पार्ट्स एंड ये सब तो नहीं याद करना होता है इतना। देयर फ्लाइंग नंबर्स, अच्छा ये उड़ सकती है याद रखना, फेयरली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट एशिया, पूरी एशिया में आपको देखने को मिल जाएगी, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, चाइना, ये थाईलैंड, वियतनाम, हर जगह एशिया में आपको देखने को मिल सकती है फ्लाइंग स्क्विरल। तो फ्लाइंग स्क्विरल भी नेचुरली फाउंड है, बट ओनली नेचुरली फाउंड इन इंडिया नहीं है, कहां कहां पाई जा रही है, चाइना और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब चीजों में भी ये पाई जा रही है। दे कैन बी फाउंड इन ड्राई डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, बट आर टॉलरेंट ऑफ ह्यूमन डिस्टर्बेंस एंड कैन बी फाउंड ऑन प्लांटेशन। एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि नामदा फ्लाइंग स्क्विरल में पाई जाती है, वहां पे एवरग्रीन वेजिटेशन भी है, डेसिडुअस भी है और ह्यूमन डिस्टर्बेंस को कोई इससे ज्यादा दिक्कत होती नहीं है फ्लाइंग स्क्विरल को। ये किस लिए? फूड और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसे हंट किया जाता है ना। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है नामदफा में, तो और नामदफा वाली फ्लाइंग स्क्विरल एंडेमिक है, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल से वहीं पाई जाएगी, लेकिन कॉमन फ्लाइंग स्क्विरल पूछेगा तो आपसे आप समझ जाओगे वो चाइना, श्रीलंका, भूटान सब जगह पाई जा रही है। इसी तरह से ब्लैक नेट क्रेन लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में और डिफरेंट डिफरेंट रीजन से पैदल ब्लूटी वाले, चाइना, भूटान, इन सब चीजों में ये ब्लैक नेट क्रेन पाई जाएगी। इसमें लेपर्ड भी
नेचुरली फाउंड इन इंडिया है ना। एक बार देख लेते हैं इस पर, ये क्या है, वल्नरेबल है। तो मैंने आपको मैप दिखाया था, मैप पे मैंने इसे किससे लिखा था, ग्रीन कलर से लिखा था इसमें रिपोर्ट को। तो ये क्या हो गया, वल्नरेबल स्पीसीज हो गई। ब्लैक नेट क्रेन क्या हुई, वल्नरेबल है ना। फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल भी मेरे ख्याल से एंडेंजर्ड। ठीक, आयुषन लिस्ट पे ये क्या है, वल्नरेबल। कहां कहां पाया जाता है ये भी हिली एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी हिमालय वाले रीजन हैं, इन सब में आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल सकता है। माउंटेनियस रीजन है ना, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में देखने को मिलेगा। ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलेगा स्नो लेपर्ड, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में है ना, और वैसे पूरे हिमालय रीजन में आपको देखने को मिल सकता है। हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है, और अपेंडिक्स वन में है, साइटिस की किस में, अपेंडिक्स वन में है, ये भी हमने देख लिया था। नेशनल लास्ट के द्वारा ये डिफरेंट डिफरेंट करा जाता है। मैंने ऐसे करके लिखा था, रिपोर्ट लद्दाख में ग्रीन से लिखा था, ये वल्नरेबल था, नेचुरली फाउंड था, साइटिस के बल में था। ठीक है, साइटिस के बल और डब्ल्यूपीए के भी बल में था ना, ये साइटिस और डब्ल्यूपीए के किस में है, ये बल में पाया जाता है और ये नेचुरली फाउंड है, बट नॉट ओनली इन इंडिया, नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। ओनली नहीं, देखो साउथर्न एशिया और सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, और कहां कहां हिमालय रीजन में, हाई एल्टीट्यूड रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा है ना, हिमालय रीजन, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये हाई अल्पाइन एरिया है। तो यहाँ पे आपको ये नेशनल रिपोर्ट देखने को मिल सकता है। मेनली कहां पाया जाता है, मेनली लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया नेशनल रिपोर्ट, इसमें लिपड़ के बाद फ्लाइंग स्क्विरल आप समझ गए। तो इसमें से कोई भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है। फ्लाइंग स्क्विरल देख लिया, और ये ब्लैक नेट क्रेन भी हमने देख ली। ब्लैक नेट क्रेन तिब्बतन चिरूटू पे मिल रही थी, और ये चाइना वगैरह में भी पाई जा रही थी। ब्लैक नेट क्रेन, इसमें लिपड़ हमने देखा, और क्या देखा, फ्लाइंग स्क्विरल। फ्लाइंग स्क्विरल एंडेमिक नहीं है, नाम दफा फ्लाइंग स्क्विरल होगी तो वो एंडेमिक होगी। चीता के बारे में देख लेते हैं, चीता नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये कुनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करेगा, ये कहां से आए हैं, अफ्रीका से, तो नेचुरली फाउंड तो नहीं है चीता। ये कैसी स्पीसीज है, दिस इज वल्नरेबल। चीता जो है वो डब्ल्यूपीए वन में आता है, आरडब्ल्यूपीए वन, साइटिस में भी वन आता है, और ये वल्नरेबल स्पीसीज है। अफ्रीका है ना, नॉर्थ अफ्रीका, साहेल, इस तरह से अफ्रीका में ज्यादा ये पाया जाता है। देखो नामीबिया एंड बोट्सवाना में मेजर पॉपुलेशन कहा है, नामीबिया और बोट्सवाना में इसकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ये एशियाटिक चीता होता है, ये ईरान में रह गए, बहुत कम बचे, और सिर्फ ईरान में ही आपको देखने को मिल जाएंगे एशियाटिक चीता है ना। आप सोचोगे एशियाटिक चीता क्या इंडिया में पाया जाता है, तो नहीं, ये इंडिया में नहीं पाया जाता, तो इसीलिए हमने अफ्रीका से इसे ट्रांसलोकेट करवाया है। चीता जो आए हैं वो अफ्रीका से आए हैं, हमारे पास एशियाटिक चीता नहीं आए, क्योंकि एशियाटिक चीता खुद ही 40-50 बचे ईरान में, और उन्हें भी हम अगर इंडिया में ले आए तो फिर वहां पे क्या बचेंगे, वहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं बचेगी। इसी वजह से हमने अफ्रीका से मंगाए कि वहां पे इतनी पॉपुलेशन है, थोड़े बहुत अगर इधर आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुनो पालपुर नेशनल पार्क में क्यों लाए गए हैं, क्योंकि वहां पे सवाना ग्रासलैंड जो है सपोर्ट करता है। इस चीता जो है कहां पाए जाते हैं, सवाना ग्रासलैंड में, तो उसी तरह का एक ग्रासलैंड हमारे कुनो फालपुर नेशनल पार्क में भी पाया जाता है ना, मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हो ईरान में ये एशियाटिक चीता जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कि ग्रासलैंड एरिया देख रहे हैं सवाना जैसा, वहां पे ये देखने को मिलेंगे, लेकिन अब ईरान में भी बहुत कम बचे हैं। ओपन लैंड, स्मॉल पेंट, सेमी डिजर्ट एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एशियाटिक चीता क्या खाते हैं, मीडियम साइज हर्बिवोरस जैसे इंडियन गेजल्स, केपर्स, वाइल्ड सीड बोर्ड्स,
इन सबको ये खाते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है इफ यू वॉक थ्रू द कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड स्टॉकिंग अलॉन्ग साइड द कैटल टू सी द इंसेक्ट डिस्टर्ब बाय देयर मूवमेंट थ्रू ग्रासेस। मतलब नॉर्मल अगर ट्रेवल करोगे इंडिया में, है ना, नॉर्मली कहीं पे भी आप ट्रेवल करो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सच बर्ड्स, आपको ऐसी देखने को मिल जाएंगी, इनमें से कौन सी बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना, जो कैटल के साथ चल रही होंगी और कैटल क्या करता है, जैसे ग्रास में कैटल चल रहा है, कोई भी कैटल है, आप एलिफेंट मान लो, तो उसके ऊपर ये बर्ड्स जो है वो बैठ जाते हैं, और ये बर्ड्स जो है ये बर्ड्स क्या करती है उस एनिमल के ऊपर ऐसे करके बैठ जाएंगी, है ना, और जैसे ही ये ग्रासेस में चलता है तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है, यहाँ से इंसेक्ट होते हैं और वो इंसेक्ट कौन खा लेती है, ये बर्ड खा लेती है। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, कौन कौन सी बर्ड्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, एक बोला बेंटेड स्टॉक, एक बोला कॉमन मैना, एक बोला ब्लैक नेट क्रेन। हमें पता है ब्लैक नेट क्रेन कहाँ मिलती है, सिर्फ और सिर्फ अल्पाइन एल्टीट्यूड में देखने को मिलेगी, ऐसे अगर इधर उधर चले जाए घूमने कहीं तो वहां पे आपको ये ब्लैक नेट क्रेन जो है देखने को नहीं मिलेगी, है ना, ये ब्लैक नेट क्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अल्पाइन एरियाज लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, इन्हीं जगहों पे आपको ब्लैक नेट क्रेन देखने को मिलती है, तो इस वजह से ब्लैक नेट क्रेन तो नहीं हो सकता इंसान को। ये कट गया कॉमन मैना, हाँ कॉमन मैना तो देखने को मिल जाएगी, है ना, जो हमारे घरों में भी हम देखते हैं, जैसे कॉमन मैना, तो ठीक है, तो टू ठीक है। पेंटेड स्टॉक ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये वर्ड बहुत कम मिलती है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, टू ओनली, इसका आंसर हो गया टू ओनली, कॉमन मैना देखने को मिलेगी और पेंटेड स्टॉक और ब्लैक नेक क्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ब्लैक नेक क्रेन फिर से समझ लेते क्या था, ब्लैक नेक क्रेन, ब्लैक नेक क्रेन को हम लिखेंगे पहले ग्रीन से, क्यों, क्योंकि ये वल्नरेबल स्पीशीज है, है ना, ये क्या है वल्नरेबल, फिर ये नेचुरली फाउंड इन इंडिया है, ये सबसे पहली बात, ओनली है क्या, ओनली इन इंडिया, ये गलत है, कहां कहां पाई जाती है, चाइना में भी देखने को मिल जाएगी और भूटान में भी आपको देखने को ये मिल जाएगी, है ना। इसी तरह से फिर ये WPA में किस में आती होगी, WPA वन में आती होगी, और लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर की ये क्या है, ये एक स्टेट वर्ल्ड बन चुकी है, स्टेट वर्ल्ड डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है क्या, ये सभी वर्ड्स की तरह ये ओमनीवोरा है, दो बार पूछा जा चुका है तो याद रखेंगे इसे, कहां पाई जाती है, हाईली अल्पाइन एनवायरमेंट, हाईली अल्पाइन एनवायरमेंट, ठीक, तो इसे आप याद रखेंगे, ब्लैक नेक क्रेन माउंटेनियस रीजन में ये पाई जाती है। फिर से पूछ सकता है, दो बार देखो आज का क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाया, अभी ब्लैक नेक क्रेन से पहले पूछा कि ये नेचुरली फाउंड है इंडिया में या नहीं है, फिर दूसरी बात आपने ये पूछ लिया कि आप कहीं घूम रहे हो इंडिया में ऐसे करके, कहीं किसी भी रीजन में आप घूम रहे हो तो आपको ब्लैक नेक क्रेन देखने को मिलेगी क्या, तो नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि लद्दाख वगैरह रीजन में माउंटेनियस रीजन में आपको देखने को मिलती है। कॉमन मैना और पेंटेड स्टॉक क्या है, एक फिश ईटिंग बर्ड है, पेंटेड स्टॉक, है ना, पेंटेड स्टॉक ये क्या खाती है, फिश खाती है, डज नॉट फीड ऑन इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को नहीं खाती, ये फिश को खाती है, तो इंसेक्ट अगर खाती ही नहीं है, पेंटेड स्टॉक, है ना, तो इसमें क्या लिखा था, इस क्वेश्चन में पूछा था कि इंसेक्ट कौन खाता है, इनमें से कौन सी बर्ड जो है वो इंसेक्ट खाते हुए आपको दिख जाएगी, सीज द इंसेक्ट्स, हाँ, तो पेंटेड स्टॉक उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि पेंटेड स्टॉक क्या खाती है, फिश खाती है एंड नॉट इंसेक्ट्स, ओके, ये हमने देख लिया पेंटेड स्टॉक, एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि पेंटेड स्टॉक भी इंपॉर्टेंट है, तो ये है पेंटेड स्टॉक, ये आप देख सकते हो, है ना, दिस इज पेंटेड स्टॉक, ये क्या खा रही है, मछली खा रही है,
ये इंसेक्ट्स नहीं खाती। आप देख लो ये खा रही है, मछली खा रही है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये वेटलैंड्स में ही पाई जाती है। वेटलैंड्स क्या होते हैं? जैसे एक रिवर वाला एरिया हो गया, एक ये लैंड वाला एरिया हो गया, है ना। ये लैंड है और ये रिवर है, इसके बीच में ये एक ऐसा एरिया पाया जाता है जहाँ पे थोड़ी मिट्टी में पानी होता है ना। मतलब पूरी तरीके से वहां पे वाटर भी नहीं है और पूरी तरीके से वहां पर सूखा भी नहीं है। तो दिस एरिया इज कॉल्ड वेटलैंड। और वहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ये पेंटेड स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये खाती है, ये खाती है फिश एंड डज नॉट ईट एनी इंसेक्ट्स। फिर ये नेचुरली फाउंड तो है इंडिया में, है ना। दिस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया। यह नेचुरली फाउंड है इंडिया में, बट नॉट ओनली, ओनली नहीं है, क्योंकि और कहां आपको देखने को मिल जाएगी कि एशिया वगैरह में आपको देखने को मिल सकती है। और ये भी हिमालय रीजन में सबसे ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे नेचुरली फाउंड कहां पे है? ट्रॉपिकल एशिया, साउथ ऑफ हिमालय, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया वगैरह की वेटलैंड्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एक्ट्रेट देख लो, फ्रेश एंड ब्रैकिश फॉरेस्टिक वेटलैंड। फ्रेश वेटलैंड होगी या ब्रैकिश वेटलैंड जो होती है वहां पे आपको इसका एक्ट्रेट देखने को मिल जाता है। किसका? पेंटेड स्टॉक का। पेंटेड स्टॉक के बारे में क्या क्या समझेंगे? सबसे पहली बात तो ये नियर थ्रेटेंड है, यानी हमें इसे ऑरेंज से लिखना है, ठीक है। ये क्या है? पेंटेड स्टॉक से लिख रहे हैं ऑरेंज से। ऑरेंज मतलब ये नियर थ्रेटेंड है। फिर ये नेचुरली फाउंड है इंडिया, है ना। हिमालय रीजन वगैरह में ये नेचुरली फाउंड है, यस। लेकिन वहां कहां पाई जाती है? और एशिया वगैरह में, साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को ये मिल सकती है। फिर पेंटेड स्टॉक के बारे में और क्या समझना है? ये फिश खाती है, फिश ईटर है। क्या इंसेक्ट खाती है? इंसेक्ट नहीं खाती है ना। इसकी डाइट देख लेते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे पेंटेड स्टॉक डाइट। ये स्मॉल मेनली क्या खाती है? मेनली ये आपको देखने को मिलेगा स्मॉल फिश खाती है। फीड मेनली ऑन स्मॉल फिश विद द सेंस बाय टच व्हाइल स्लोली स्विपिंग देयर हाफ ओपन बिल फ्रॉम साइड टू साइड। समझ दे बात स्लोली एंड ऑल्सो डिस्टर्ब द वॉटर विद द फ्री टू फ्लश फिश। दे ऑल्सो टेक फ्रॉग्स, फ्रॉग्स भी खाती है और स्नेक्स भी खाती है। पेंटेड स्टॉक ये सब कुछ खाती है। सिर्फ मेनली कहा है? मेनली क्या खाती है? मेनली खाती है फिश, ठीक है। तो पेंटेड स्टॉक हमने देख ली। यहाँ पे पेंटेड स्टॉक इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? पेंटेड स्टॉक बहुत ज्यादा जगह में पाई जाएगी, आपको देखने को मिल सकती है ना। हिमालय रीजन में, हिमालय की फोटोज में आपको ये देखने को मिल सकती थी। लेकिन अभी मछली खाती है तो इंसेक्ट्स आपको खाते हुए देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसका आंसर हो गया गलत। पेंटी स्टॉक आपको देखने को नहीं मिलेगी, इंसेक्ट खाते हुए या फिश खाते हुए देखने को मिल सकती है। फिर ब्लैक नेक क्रेन, ये तो आपको दिखेगी नहीं क्योंकि हाई अल्पाइन एरिया में पाई जा रही है, सब कुछ खा लेती है, इंसेक्ट्स वगैरह सब कुछ खा लेगी। बट क्या है, हाई अल्पाइन एल्टीट्यूड में देखने को मिलेगी। आप ऐसे कहीं से निकल रहे हो इंडिया में किसी भी रीजन से, तो आपको देखने को नहीं मिल सकती। तो कॉमन मैनर इसका आंसर है, बाकी दोनों आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये लॉजिकल गैसिंग से भी हो सकता था कि क्वेश्चन कि हमने कौन सी वर्ड सुनी है। हमने कॉमन मैनर सुन रखी है, पेंटेड स्टॉक हमने नहीं सुनी, ब्लैक नेट क्रेन हमने नहीं सुनी, तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या मिलेगी, कॉमन मैनर देखने को मिल जाएगी। बाकी ये दोनों वर्ड बहुत मुश्किल है देखना, क्योंकि हमने सुनी नहीं रखी है ना। तो ये लॉजिकल गैसिंग से भी ये क्वेश्चन हो सकता था। देन अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वो क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग, ये चार चीजों को आप देखिए। फिर पूछ रहा है बिच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिसीजेस, इनमें से कौन सा प्लांट डिसीजेस को स्प्रेड करता है। मतलब एक प्लांट में कोई डिसीज है और वो दूसरे प्लांट में पहुंच जाएगी, ऐसा कौन कर सकता है इसमें? तो विंड ब्लोइंग कर सकती है, हाँ विंड तो कर ही सकती है ना। विंड ऐसे करके यहां से कोई भी जैसे बैक्टीरिया वगैरह है
तो वो बैक्टीरिया यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है बिल्कुल। फिर रेन कर सकती है, रेन भी एक टाइप से कर सकती है क्योंकि रेन यहाँ पे पहले बैक्टीरिया लाएगी और फिर वहां पे सॉइल में चला जाएगा और सॉइल से फिर ये प्लांट में चला जाएगा, है ना। डस्ट ब्लोइंग से भी हो सकता है और वर्ल्ड से भी हो सकता है। वर्ल्ड भी क्या करती है, यहाँ पे जैसे उन्होंने पत्ते खाए कुछ ये वर्ल्ड ने और फिर वो इस प्लांट पे आकर के बैठ गई, तो ये वर्ल्ड ने क्या करा, इस वर्ल्ड ने यहाँ पे भी वो डिजीज फैला दी, तो ऐसा हो सकता है 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। प्लांट डिजीजेज सभी लोग कर सकते हैं स्प्रेड। वर्स्ट मूविंग थ्रू क्रॉप्स कैन कैरी पैथोजन फ्रॉम वन इन्फेक्टेड प्लांट टू अनदर इन्फेक्टेड प्लांट। सम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर कैरी टू शॉर्ट डिस्टेंसेस बाय विंड। सम बैक्टीरिया ऑफन डिसमेंटेड बाय स्प्लैशिंग ऑफ रेनड्रॉप्स एज इन केस ऑफ सिट्रस कैंकर डिजीज। रेन ड्रॉप से भी हो सकते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर एक डिजीज थी वो रेन ड्रॉप से फैल रही थी। सॉइल एंड फील्ड ऑपरेशन से डस्ट ब्लोइंग से भी हो सकता है और ये सारी चीजें इसमें इफेक्ट कर सकती है। डस्ट हो गया, रेन हो गया, वर्ल्ड एंड क्या पूछा है, विंड ब्लोइंग, इन सभी से ये प्लांट डिसीज फैल सकती है। ब्लैक रेन कैन क्यों लिए कुछ स्पेशल बताओ, स्पेशल क्या है इसका, स्पेशल ये है ये ओनली अल्पाइन ग्रेन है, ओनली अल्पाइन ग्रेन स्पीसीज। कौन सी ग्रेन स्पीसीज है जो अल्पाइन एनवायरमेंट में पाई जाती है, तो वो सिर्फ ब्लैक नेट ग्रेन है और कोई भी बर्ड स्पीसीज, कोई भी ग्रेन स्पीसीज अल्पाइन एनवायरमेंट में नहीं पाई जाती है ना। हिमालयन के फुटहिल्स में पाई जाएगी पेंटेड स्टॉक, वो भी हमने देखी थी, बैटलैंड में पाई जाती है, बट ऑन द एल्टीट्यूड ये आपको देखने को नहीं मिलेगी ज्यादातर, पेंटेड स्टॉक आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। ओनली अल्पाइन क्रेन है, कौन सी, ब्लैक नेक क्रेन, ये स्पीसीज स्पेशल है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ओनली अल्पाइन क्रेन। तो एक चीज हमने और बढ़ा ली इसमें ब्लैक नेक क्रेन में, सबसे पहले हमने क्या देखा, दिस इज ब्लैक नेक क्रेन, इसका मतलब इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, अगर हम ग्रीन से लिख रहे हैं तो दिस इज वल्नरेबल। फिर ये नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ओनली की आप आ जाएगी तो ओनली नहीं होगा, ये चाइना में भी पाई जाती है और भूटान में भी पाई जाती है, तिब्बतन प्लेटू में आपको देखने को मिल जाएगी, तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू हिमालय में, और कहां देखने मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में भी देखने मिल जाएगी, सिक्किम, उत्तराखंड जहां जहां पे अल्पाइन एनवायरमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का ये स्टेट वर्ल्ड है, लद्दाख का स्टेट वर्ल्ड डिक्लेयर हो चुका है। और दूसरी चीज ओनली अल्पाइन क्रेन, ये भी इसके साथ जुड़ चुका है, दिस इज ओनली अल्पाइन क्रेन। दिस इज नॉट अ वर्ल्ड, ये क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड, तो ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर हमने पढ़े होते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम ये 2022 में ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, महाशीर आ रहा है और अभी मैं लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो महाशीर का मतलब होता है फिश होता है ना, महाशीर का मतलब होता है फिश, तो इसी वजह से यही इसका आंसर था, इज नॉट अ वर्ल्ड, इसमें से कौन सी वर्ड नहीं है, तो महाशीर क्या होती है, महाशीर एक फिश होती है। इंडियन नाइटजार है, स्पून बिल, मैंने बोला बैली आ जाए, बिल आ जाए तो वो समझ लेना क्या है वर्ड, व्हाइट आइबिस, एल्विस, सॉरी एल्विस, व्हाइट एल्विस, ये भी क्या है, एक वर्ड है, इंडियन नाइटजार, स्पून बिल और व्हाइट एल्विस, देख सकते हैं इंडियन नाइटजार पर दिखा देता हूँ आपको, इंडियन नाइट जार देखिए, साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है इंडियन नाइट जार, ये इस तरह से दिखती है,
इंडियन नाइट जार, इसका नाम ही क्या है, इंडियन नाइट जार। तो इंडिया में तो पाई जाएगी और पाकिस्तान में भी पाई जाती है, बांग्लादेश मतलब आसपास हर जगह ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? एक्सेप्ट फॉर हाई एलिवेशन और वेरी डेंस फॉरेस्ट में ये नहीं पाई जाएगी। ये है इंडियन नाइट जार, इस तरह से आपको दिखती है इंडियन नाइट जार। अच्छा एक और चीज है, जेडन कर्सन जो एक वर्ड है, जेडन कर्सन नॉक्टर्नल है, याद रखना है, जेडन कर्सन इज नॉक्टर्नल। हम देख सकते हैं ये क्या है, ये व्हाइट एलिवेज है ना, दिस इज व्हाइट एलिवेज, और ये इंडिया में पाई जाती है, बता कितने होंगी है ना, व्हाइट एलिवेज। क्या क्या खाती है? तो ये इंसेक्ट्स वगैरह खाती है और फिश वगैरह भी खा लेती है, फिश फ्रॉग क्रैब्स स्नैक ये सब कुछ ये खा लेती है व्हाइट एलिवेज। ये स्पून बिल है, स्पून बिल आप देख सकते हो, इतनी प्यारी डाल देगी, पिंक पिंक कलर की होगी है स्पून बिल है ना, ये भी ज्यादातर मुझे लग रहा फिश वगैरह ही खाती होगी है ना। ये भी इंडिया में पाई जाती है, नेचुरली फाउंड है, लेकिन बाहर वाले एरिया में भी ये पाई जाती है, बस अंटार्कटिका को छोड़ के बाकी हर जगह ये पाई जाती है व्हाइट एलिवेज। देखो है इंडिया में वगैरह हर जगह ये पाई जाएगी, स्पून बिल, स्पून बिल देख ली, फिर व्हाइट एलिवेज देख ली, और एक ये वर्ल्ड और है, और कौन से बची, स्पून बिल व्हाइट एलिवेज डायमंड ये इंडियन नाइट जार। इंडियन नाइट जार नाम से क्लियर हो रहा है इंडिया में तो पाई जाएगी है ना, और कहीं भी पाई जा सकती है, और वर्ड्स है क्योंकि उड़की चली जाती है तो ये और भी कंट्रीज में पाई जाएगी, ओनली इन इंडिया किसी भी वर्ड के लिए ट्रू नहीं हो सकता। इंडियन नाइट जार देख लिया, स्पून बिल देख ली है ना, स्पून बिल कैसी थी, पिंक कलर की थी, ये डार्क टाइप की पिंक कलर की, व्हाइट एलिवेज डार्क टाइप की थी और ये व्हाइट कलर की थी। इंडियन नाइट जार छोटी सी वर्ड है तो ये फिश को क्रैब्स को स्नैक्स को बहुत कम खा पाएगी और ये दोनों बहुत ज्यादा खाएंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन महाशीर, गोल्डन महाशीर को हिमालयन महाशीर भी बोला जाता है ना, ये हमने पढ़ा था हिमालयन, अच्छा भी नहीं पढ़ाई है हिमालयन महाशीर। ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको? हिमालय रीजन में आपको देखने को ये मिल जाएगी गोल्डन महाशीर या फिर हिमालयन महाशीर। और कहाँ देखने को मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यही वाले हिमालय रीजन, और मध्य प्रदेश में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी गोल्डन महाशीर या हिमालय महाशीर। इसका स्टेटस क्या है? दिस इज इनडेंजर्ड, और बिल्कुल अलग अलग कंट्रीज में पाई जा सकती है ना। माही, माही चील से माही, माही का मतलब होता है फिश, आपको कहीं भी माही दिख जाएगा ना, माही से आप इंतजाम लगा लेंगे क्या होता है माही का मतलब फिश, और शेर, शेर का मतलब टाइगर, तो इसीलिए हम कहते हैं टाइगर अमंग फिश। इस महाशीर को हम क्या बोलेंगे? टाइगर अमंग फिश। इट इज ए लार्ज, लार्ज फिश होती है ये, इंटरफेस्ट अमंग फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में ये पाई जाती है गोल्डन महाशीर। किसमें पाई जाएगी? फ्रेश वाटर। द बॉडी कलर ऑफ एन अडल्ट गोल्डन महाशीर इज गोल्डन, बॉडी कलर कैसा होगा इसका? गोल्डन ही होगा, तभी तो ये गोल्डन महाशीर है। लार्ज स्केल्स पावरफुल, ये सब चीजें इसमें होती है। इंडियन नाइट जार स्मॉल नाइट जार वर्ल्ड है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये देखने को मिल जाएगी इंडियन नाइट जार। ये क्या है? क्रेपेस्कुलर है, क्रेपेस्कुलर मतलब ये नाइट में क्या है, चमकेली, उसे हम बोलते हैं क्रेपेस्कुलर। एंड इज बेस्ट डिटेक्टेड फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक कार्ड लाइक डॉन एंड डस्ट। अच्छा ये डॉन, ये डस्ट में मतलब नॉक्टर्नल स्पीशीज होगी ज्यादातर, और ये डॉन और डस्ट में क्या है, अपनी आवाजें लगाती है बहुत ज्यादा, तो ये इंडियन नाइट जार हमने देखी क्रेपेस्कुलर है ना, क्रेपेस्कुलर स्मॉल नाइट जार वर्ड है, और ये और भी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। स्पून मिल, स्पून मिल बहुत लंबी टॉल व्हाइट वर्ड होती है अभी दिखाया, और ये पिंक कलर की ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगी। फ्लाई विद नेक्स्ट लेग एक्सटेंडेड,
if it will elegant cypher sleeves of their bill. स्पून बिल क्या खाती है? फिश खाती है, स्नैक, फ्रॉग, क्रैब्स, यही सब चीजें। लेकिन इंसेक्ट्स भी खाएगी स्पून बिल। व्हाइट बिल भी उसके साथ भी ऐसा ही है। इंसेक्ट कौन नहीं खाती? पेंटेड स्टॉक जो बर्ड है वो स्नैक जो है ना, सॉरी इंसेक्ट्स नहीं खाती। व्हाइट स्पीशीज ये फ्रेश वाटर मार्शेस, कोस्टल रिलायंस, मैंग्रोव्स में भी देखने को मिलती है आपको, है ना। ये आ रहा है मैंग्रोव्स में कौन देखने को मिलेगी? व्हाइट बिल्स। अब ये पूछा आपसे, है ना, सैलम फ्रॉगमॉथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चेन मिनीबैट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार, ये क्या है? देखो मैंने आपको पहचानने की ट्रिक बताई थी, इनमें से एक भी आपको पता होती है बर्ड है तो आप ये बर्ड पे लगा सकते हो, है ना। और मैंने ट्रिक में बताई कोई भी थ्रोट का कलर दे रखा हो, थ्रोट का या नेक का, और थ्रोट का ये नेक का कलर दे रखा हो तो फिर वो क्या होती है? ये होती है वर्ल्ड, ये वर्ल्ड होती है। व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार क्या है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ल्ड। अब मिनी बैट, इससे भी आप हिसाब लगा सकते हैं, या तो टैप में लिखा हो या लिखा हो मिनी बैट, तो मिनी बैट भी क्या होती है? एक बर्ड ही होगी, है ना। बारबेट, बारबेट ये बुलबुल, है ना, बारबेट हो गया, बुलबुल हो गया, ये भी क्या होती है? एक बर्ड होती है। सील ऑन प्रॉम, ये तो चलो आप नहीं पहचान सकते, है ना। एक बारबेट से ग्रे चिंड, जो मैंने बोला कि कलर दिया हो, कोई कलर दिया हो, कलर के बाद नेक दे रखी हो, थ्रोट दे रखी हो या चिंड दे रखी हो, तो वो क्या होता है ज्यादातर? ज्यादातर वो बर्ड भी होती है 99% केसेस। तो इसे आप हिसाब लगा सकते थे ये क्या है, ये है बर्ड। देखो ये सील ऑन फ्रॉग मॉम, ये है बिल्कुल फ्रॉग जैसा लग रही है बर्ड, तो वही है सील ऑन फ्रॉग मॉम। सील ऑन, इसे श्रीलंका फॉग मॉथ भी कहते हैं। वर्ल्ड स्पीसीज कहां पर आती है? ये वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिल जाएगी, इंडिया, इंडिया में वाली वेस्टर्न घाट्स, यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगी? सील ऑन फ्रॉग मॉथ, इसे श्रीलंका, श्रीलंका फ्रॉग मॉथ भी कहते हैं, तो श्रीलंका में भी आपको देखने को ये मिल जाएगी। श्रीलंका है, इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगी। लीस्ट कंसर्न है ना, ये क्या है? लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न हम करते हैं हमेशा ब्लैक से, तो मैं आपको लिख देते हैं सी ऑन फ्रॉग मॉथ, सी ऑन फ्रॉग मॉथ कहां पर आती है? वेस्टर्न घाट्स में, और कहां पे? श्रीलंका में भी पाई जाएगी। फिर आगे देखो कॉपर स्मिथ बारबेट इज ऑल्सो नोन एज क्रिम्सन कर्ब, क्रिम्सन ब्रीस्टेड बारबेट, ये बर्ड स्पीसीज होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिल जाएगी, पूरे इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी। इट साइज एंड स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न, इसलिए लीस्ट कंसर्न में इनकी इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम याद रखते हैं, बस याद रखना है क्या है ये कॉपर स्मिथ बारबेट। ये इस तरह से आवाज निकालती है ना, इस तरह से आवाज निकालती है, ऐसा लगता है कि कोई कॉपर स्मिथ जैसे ना हथौड़ा चला रहा हो, कोई कील वगैरह ठोक रहा हो, इस तरह से ये बर्ड आवाज निकालती है, तो ये है कॉपर स्मिथ बारबेट। सील ऑन फ्रॉग मॉथ ये वेस्टर्न घाट्स में और श्रीलंका में पाए जाएंगे। कॉपर स्मिथ बारबेट आप समझिए, कॉपर स्मिथ बारबेट ये कहां देखने को मिल जाएगी? देखने तो नहीं, बस याद रखना है कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लीफ कंसर्न, बस। तो एक मिनी बर्ड, तो मिनी बर्ड ये बर्ड स्पीसीज हिमालय से चाइना तक ही पाई जाती है, हिमालय में और चाइना में, ग्रेट एंड मिनी बर्ड। आई सी स्टेटस इसका भी लीस्ट कंसर्न है, ये सब लीस्ट कंसर्न है। व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार ये इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना समझा पाई जाएगी, ये भी लीस्ट कंसर्न है। तो दीज आर द बर्ड्स विच आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया एंड नॉट ओनली नेचुरली फाउंड इन इंडिया।
कोई भी बर्ड स्पीसीज ज्यादातर वो नेचुरली फाउंड ओनली नहीं होती, नेचुरली फाउंड इन इंडिया होगी बट नॉट ओनली नेचुरली फाउंड इन इंडिया नहीं होगी, है ना। तो इसी तरह से आप देख सकते हो वॉशरूम रोड स्टार्ट है, व्हाइट रोडेड रेड स्टार्ट, ये इंडिया नेपाल भूटान चाइना में पाई जा रही है। ग्रे चेन मिली वेट है, ये हिमालय से चाइना में पाई जा रही है। और कॉपर स्मिथ बार्बेट है, वो भी होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जा रही है। सीलम ट्रेडमॉर्क, ये भी वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। जेडन कर्सर याद रखना, वो एंडेमिक है सर, देखो जेडन कर्सर आ गई है, जेडन कर्सर एंडेमिक है और वो सिर्फ चलन हिल्स जो है वहां पे आंध्र प्रदेश में, उसके ऊपर श्रीलंका मलेश्वरा नेशनल पार्क है, सिर्फ वहीं पे पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है जेडन कर्सर। ये ग्रासलैंड स्पीसीज है ना, ग्रासलैंड स्पीसीज है जेडन कर्सर। बंगाल फ्लोरिकन भी ग्रासलैंड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी, लेसर फ्लोरिकन भी, ये सब ग्रासलैंड वाली है। नॉन माइग्रेटरी वेटलैंड स्पीसीज कौन सी देखी, वाइड वैली ड्यून, वाइड वैली ड्यून कहां देखी थी, ये हमने आसाम में देखी थी, है ना, वाइड वैली ड्यून। और ये किस में पाई जाती है, मतलब नॉन माइग्रेटरी है, किसी वेटलैंड में पाई जाएगी और ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करेगी। फॉरेस्ट स्पीसीज जैसे फॉरेस्ट आउलेट, ये हमने कहां देखा, ये मध्य प्रदेश में है और ये एंडमिक है, सिर्फ वहीं पे पाया जाता है। डब्ल्यूपीए वन में, साइडीज वन में है फॉरेस्ट आउलेट। इसका वेंजर्स, इसके वेंजर्स में कौन आता है, इंडियन वल्चर, रेड हेड वल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, वाइट हेड वल्चर, स्लेंडर विंड वल्चर, ये सारे इंडियन के स्पेसीज है और ये इसका वेंजर है, है ना। इसका वेंजर मतलब ये किसी मरे हुए को खाते हैं, लेकिन ये डिकम्पोजर नहीं, याद रखना इंडियन वल्चर क्या है, एक इसका वेंजर है, नॉट डिकम्पोजर। रेड हेड वल्चर और वाइट हेड वल्चर भी इसका वेंजर है। पिंक हेडेड डक हमने देखी थी, हिमालयन क्वेल पिंक हेडेड डक, बहुत ज्यादातर टाइम से तो हमने ये बोला कि अभी एक्सीडेंट हो चुकी है, अभी कहीं मिलेगी नहीं, फिर ये गंगा यमुना जहां पे मिलती है वहां पे ये पिंक हेडेड डक मिली थी, और हिमालयन क्वेल ये ऊपर उत्तराखंड वाले रीजन में आपको देखने को मिली, हमने इसे एक्सीडेंट मान लिया था इन दोनों को। फिर कुछ स्टेट बर्ड है, इन पे एक बार नजर डालें, याद रखना है कि ये बस बर्ड है ना, इंडियन रोलर, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये काम की है अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है। व्हाइट विंग, पता ही चल जाएगा ये बर्ड है, व्हाइट विंग, अरे भाई विंग किसके होते हैं, विंग किसके होते हैं, बर्ड के होते हैं, तो व्हाइट विंग ये आसाम की है। इंडियन रोलर, इंडियन रोलर फिर से आगे बिहार, तो आंध्र प्रदेश और बिहार की स्टेट बर्ड कौन सी है, इंडियन रोलर, याद रखेंगे रोलर, जो रोल करती है ऐसे करके बर्ड जो है रोल करती है, इंडियन रोलर, वो भी क्या है, बर्ड है। या बोलोगे या आपसे पूछा भी जाएगा, बताइए इनमें से कौन सी एक बर्ड है या नहीं है, आपको लगेगा रोलर तो बर्ड हो नहीं सकती, तो आप वो ऑप्शन काट दोगे, तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये चीज देनी होती है, ऐसे ही पढ़ाई होती है ना, आपको जो बिल्कुल ही अलग चीज दिख रही है आप भूलोगे, वही आप समझो कि अच्छा यही हमें रखनी है। रोलर क्या है, एक बर्ड है, इंडियन रोलर बर्ड है। माइनस आप पहचान लोगे, फ्रोटेड और प्लेन, फ्रोटेड जिसमें भी हो बुलबुल भी आ गई तो ये बर्ड होगी होगी, है ना, ये गोवा में मिलती है। ग्रेटर फ्लेमिंगो, हाँ फ्लेमिंगो भी आप याद रखो, जैसे मिनी बर्ड याद रखा था, जैसे टर्न याद रखा, और भी याद रखा, स्पून बिल याद रखा, स्पून बिल भी एक बर्ड है। बारबेट याद रखा, बारबेट अगर नहीं याद है तो भी वो एक बर्ड है, ऐसी फ्लेमिंगो भी एक क्या है, बर्ड है, हमेशा फ्लेमिंगो कहीं पे दिख जाए आप समझ जाओ वो एक बर्ड है। ब्लैक फ्रैंकोलिन, अच्छा ये तो फिर अजीब सा नाम है फ्रैंकोलिन, ऐसे छोड़ दो, है ना, याद नहीं होता। वेस्टर्न ट्रागा ट्रागोपान, वेस्टर्न ट्रागोपान बर्ड जो है पान भी खाती है, चार कोयल हो गई है। इंडियन रोलर की कितने की स्टेट बर्ड है, आंध्र प्रदेश की भी स्टेट बर्ड है, कर्नाटका की भी स्टेट बर्ड है और बिहार की भी स्टेट बर्ड है। इंडियन रोलर कई सारे स्टेट्स की स्टेट बर्ड है, इंडियन रोलर मेरे को देख लेते, ऐसे आपसे नहीं पूछता है कि ये स्टेट बर्ड है या नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड चीजें आपसे पूछ सकता है ना। तो एक बार देख लेते हैं,
इंडियन रोलर। देखो इतनी प्यारी सी चीज है ये इंडियन रोलर। ठीक ब्लू कलर में आपको देखना मिल जाएगी। देख सकते हैं इंडियन रोलर कलर को स्टेट पर कहा गया आंध्र प्रदेश कर्नाटका उड़ीसा बिहार तेलंगाना ज्यादा की इंडियन रोलर जो है स्टेट पर है। हमने देख लिया और ज्यादा इसमें देखने की जरूरत है नहीं। लीस्ट कंसर्न स्पेसिस है ना, लीस्ट कंसर्न स्पेसिस है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन रूलर एक वर्ड हमने देख ली है ना, उसका फोटो भी देख लिया, बहुत प्यारी सी ब्लू ब्लू वर्ड थी। दैट वाज इंडियन रूलर। यही पूछा जा सकता है बताओ इसमें से कौन सी इंडियन बर्ड है, नहीं मतलब बर्ड जो है इनमें से कौन सी है। तो इंडियन रूलर ऑप्शन होगा तब क्या लगा दोगे, वर्ड में लगा दोगे। ग्रेट हॉर्नबिल ये तो देखते हैं पता ही है ना। कोयल, पैराडाइज फ्लाई, अब फ्लाई आ गया तब समझ जाओगे क्या क्या है, एक बर्ड है। ग्रीन इंपेरियल पीजन आ गया है ना, मिसेज ह्यूमस फीजेंट, हाँ फीजेंट जहां में आपको दिखता है फीजेंट वो भी एक बर्ड होती है। ठीक फीजेंट माइना आप समझ जाओगे, फीजेंट जो फिर आ गया। ट्रैगो पान, पान खाती है बर्ड तो ये भी हो जाएगा। पीकॉक भी एक बर्ड है, पीकॉक उड़ीसा की है, पीकॉक ये बर्ड है उड़ीसा की। इंडियन बर्ड ये राजस्थान की है, ये इम्पोर्टेंट है इंडियन बर्ड। फीजेंट फिर आ गया, फीजेंट से आप समझ जाओगे ये बर्ड। इंडियन रूलर फिर से आ गया तेलंगाना, ये स्टेट बर्ड नाम की है तेलंगाना। फीजन आप समझ गए, मोनल, मोनल भी आप समझ जाओ क्रेन है, क्रेन तो बर्ड होती है। किंगफिशर, किंगफिशर भी बर्ड है, ये व्हाइट थ्रोटेड, थ्रोटेड से आप समझ गए कि क्या है वर्ल्ड बेस्ट बंगाल की एक वर्ल्ड। अंडमान फुट पिजन कहाँ की बर्ड होगी भाई, अंडमान फुट पिजन अंडमान की होगी सिंपल सी बात है। ग्रे हॉर्नबिल, टर्न, टर्न आ गया, कोयल, क्रेन, क्रेन, ब्लैक नेट क्रेन देखो जम्मू कश्मीर लद्दाख की स्टेट बर्ड है ना। हाउस स्पैरो, ये सारे अपने बर्ड देखने बर्ड आइडेंटिफाई करना हम सीख गए। अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पूछा था ओनली एक फाउंड इन इंडिया, इनमें से कौन सा एक है जो नेचुरली फाउंड होता है इंडिया में। तो इसका आंसर होगा बुल ऑफ गिबन, बुल ऑफ गिबन इज द ओनली एप विच फाउंड इन इंडिया। गोरिल्ला इंडिया में नहीं पाया जाता, ये कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है ना, दिस इज फाउंड इन अफ्रीका। फायर एलिफ मंकी भी पाया जाता है सर अपने, चिंपैंजी ये भी नहीं पाया जाता इंडिया में, दिस इज ऑल्सो फाउंड इन अफ्रीका। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये सब सवालों में पाया जाता है। ठीक है वो गिबन इज द ओनली एयर फाउंड इन इंडिया, कहाँ देखने को मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा वो गिबन। गोरिल्ला चिंपैंजीज ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। ठीक है ये भी हो गया। ये देख लो ओरांगउटान, ओरांगउटान से इसका क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट हो जाता है देश के। दिस इज अ प्राइमेट, ये एप नहीं है ये प्राइमेट है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं,
इंडोनेशिया मलेशिया में पाए जाते हैं और अब सिर्फ बचे सुमात्रा और बोर्नियो में। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो भी कहां पे, सिर्फ अब ये एंडेमिक हो चुके हैं सुमात्रा और बोर्नियो, वही साउथ ईस्ट एशिया में सुमात्रा और बोर्नियो। पहले ये सब जगह पाए जाते थे, अब ये ओनली पाए जाते हैं, दे फाउंड ओनली इन पार्ट्स ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा, अब वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। 35 से 45 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन है। पोंगो इसका साइंटिफिक नेम है। खाता क्या है, 60% तो ये लीचीज मैंगो ये सब खाता है, लेकिन ये इंसेक्ट्स भी खाता है, स्मॉल वर्टिब्रेट्स भी खाता है, तो समझ जाओ ये क्या है, दिस इज ओमनीवोर। और कोई भी मंकी टाइप का, कोई भी एप टाइप का दिखे आपको, तो आप समझ जाना दैट दिस इज ओमनीवोर। चिंपैंजी देख लेते हैं, दिस इज नेटिव टू द फॉरेस्ट एंड सवाना ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। ये ट्रॉपिकल अफ्रीका के सवाना में पाए जाते हैं, दीज आर द चिंपैंजी। आप देख रहे हो ये क्या है, चिंपैंजी। ये पाए जाते हैं सवाना ऑफ अफ्रीका। ये गोरिल्ला है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है अफ्रीका के। ओरांगुटान हमने कहा देखा था, ओरांगुटान ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखा, सुमात्रा बोर्नियो में पाया जाता है, वहां पे एंडेमिक हो चुका है ना, वो खोद खोद के इंसेक्ट निकालता है फिर तो उसे खाता है। गोरिल्ला की डाइट मेनली वेजिटेरियन है, मेनली वेजिटेरियन है, मेनली क्या है वेजिटेरियन, लेकिन ये मांसाहारी भी है गोरिल्ला, तो ये ओमनीवोर हो गया। टर्माइट्स आंट्स ये भी सब खा लेता है। इसमें से कौन सा इज अ कल्टीवेटर ऑफ फंगी, फंगी कौन कल्टीवेट करता है ये पूछा होता क्वेश्चन। आंट करता है, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर। ये एक्चुअली में स्पीसीज वाले क्वेश्चन से नहीं है, ये हम पढ़ेंगे जब इकोसिस्टम या इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, एसेंशियल्स ऑफ इकोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, उसमें हम एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म वाली रिलेशनशिप, तो उसमें हम पढ़ेंगे आंट और फंगी, आंट और फंगी आपस में म्यूचुअलिज्म रिलेशन क्रिएट करते हैं, और ये फंगी को कल्टिवेट करता है आंट, तो देख सकते हैं हम इसे आंट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रैब नहीं करता, ठीक है, ये क्रैब नहीं करता। शेड्यूल फोर्थ में WPA के शेड्यूल फोर्थ में, मतलब इतनी ज्यादा पेनाल्टी इस पर नहीं पड़ेगी इसे मारने से, लेकिन पड़ेगी। स्पाइडर, स्पाइडर भी उसको नहीं करता ना, नॉन हैबिटेड, ये ईस्टर्न घाट में ज्यादातर पाया जाता है स्पाइडर, एंडेमिक है इंडिया में, और कहीं आपको स्पाइडर देखने को नहीं मिलेगा, दिस इज एंडेमिक टू इंडिया एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कहां पाया जाएगा, ईस्टर्न घाट में। स्पाइडर और कहीं किसी कंट्री में नहीं पाया जाता स्पाइडर, सिर्फ अपनी इंडिया में पाया जाता है, और कहां पे, वेस्टर्न घाट में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये आप देख सकते हो, ये आंट जो है वो क्या कर रही है, फंगस का कल्टिवेशन कर रही है, इसकी वजह से कुछ फायदा होता होगा तभी कर रही है, म्यूचुअलिज्म रिलेशन से रहती है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। ये क्यों करते हैं सही नहीं लिखा, ये नहीं है। अब क्या पूछ रहा हमसे, बिकॉज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, इनमें से कौन सी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो देखते हैं भाई कौन सी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या है, ये हमने ब्लू से लिखा था, वो वाला एप्लीकेशन मैप बनाया, तो ये होगी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मस्क डियर, मस्क डियर अल्पाइन एनवायरमेंट में देखा था, नॉर्थर्न स्पीसीज थी, साइटिस 1 WPA 1 एंड दिस इज इंडेंजर्ड।
ना वैसे नहीं, ऐसे नहीं। गेट इंजन जो शर्ट ब्लू से लिखी थी क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी, है ना, दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मस्कडी का ऊपर रेड से लिखा था याद करो, और वो क्या था, इंडेंजर्ड था। रेड पांडा भी रेड से लिखा था, इस बस इंडेंजर्ड, है ना। रेड पांडा भी क्या है, नॉकटर्नल है। मस्कडी भी नॉकटर्नल है। ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, अल्पाइन एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं। साइटिस वन डब्ल्यूटीए वन दोनों का है। तो रेड पांडा मस्कडी बहुत ज्यादा सिमिलर स्पीसीज है। रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल है, मस्कडी उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। आप बात करते हैं एशियाटिक बाइडनेस की। एशियाटिक बाइडनेस जो है वो है नियर थ्रेटेंड, है ना, दिस इज नियर थ्रेटेंड। जब हम बात करते हैं कश्मीरी स्टैग की, कश्मीरी स्टैग हमने लिखा था ब्लू से, लिखा था क्या हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। चीतल, चीतल या फिर जैसे बोलते हैं स्पॉटेड डियर, है ना, ये ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है। चीतल कहाँ का स्टेट एनिमल है, तो ये तेलंगाना का स्टेट एनिमल है शायद, और ये डब्ल्यूपीए 3 में रखा गया है। इसे मारना इज नॉट अ ऑफेंस, बहुत ज्यादा मतलब इसकी पेनाल्टी नहीं है इसे मारने में। ये रामायण से रिलेटेड है और इसीलिए हमने इसे किस में रखा है, चीतल को, चीतल को हमने रखा है बॉली कैटेगरी में, है ना, पिंक को लीस्ट कंसर्न वाली कैटेगरी में हमने इसे रखा हुआ है, लीस्ट कंसर्न। फिर है ब्लू बॉल, ब्लू बॉल पता नहीं क्या है भैया, ये तो हटा दो। अब ग्रेट इंडियन वॉचमैन, ये हमने ब्लू से लिखा था क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। स्नो लियोपॉर्ड ग्रीन से लिखा था वल्नरेबल था। साइटिस वन में था, डब्ल्यूपीए वन में था, अल्पाइन एनवायरमेंट पाया जा रहा था, जम्मू कश्मीर लद्दाख अरुणाचल प्रदेश सब जगह ये पाया जाएगा, कितने भी हिमालय वाले एरियाज है। नेचुरली फाउंड इन इंडिया है, बट नॉट ओनली नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक। स्वयंपटियर भी हमने किससे लिखा, ग्रीन से लिखा था, वैसे ही इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आता है ना। स्वयंपटियर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था इस पे, और स्वयंपटियर इंडेंजर्ड वाली स्पेसिफिक में वो दिखा रहा था, फिर भी हम क्या लिख लेते हैं, वल्नरेबल लिख लेते हैं, है ना, दिस इज वल्नरेबल अकॉर्डिंग टू आईसी, है ना, अकॉर्डिंग टू आईसी नहीं पूछा है, बस इंडेंजर्ड बताना है। रेसस मंकी, रेसस मंकी तो हमें दिखता ही है, हमारे छतों पे दिखता है, वो वाला मंकी है रेसस मंकी, तो इतना ज्यादा पाया जाता है, इंडेंजर्ड तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, है ना, दिस इज नॉट इंडेंजर्ड, दिस इज लीस्ट कंसर्न। और जैसे ही हमने रेसस मंकी देखा, चीतल देखा, हम 2 और 3 को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन पूरी तरीके से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। जैसे सारस क्रेन, ये उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते क्या है, ये इंडेंजर्ड ही होगी, है ना, तो 2 और 3 हमने एलिमिनेट कर दिया, के हिसाब से कि रेसस मंकी और चीतल को इंडेंजर्ड कभी भी नहीं कहा जा सकता, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इनकी पाई जाती है। फिर हम आते हैं नीचे लॉन्डेड मैगे, लॉन्डेड मैगे हमने रेड से लिखा था, ये नॉकटर्नल नहीं था, और ये कहां था, ह्यूमंस को ये अवॉइड करता है, साइटिस वन डब्ल्यूपीए वन में पाया जाता है लॉन्डेड मैगे, तो ये क्या हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, है ना, दिस इज इंडेंजर्ड। ब्लू बुल ये रहने देते हैं, चीतल ये प्रजाति के, चीतल क्या है, लीस्ट कंसर्न, चीतल है लीस्ट कंसर्न, और इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हमारा पहला वाला ऑप्शन है क्या है, राइट आंसर बन जाता है, है ना, दिस इज द राइट आंसर पहला वाला। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड। आगे बढ़ते हैं, तो इसके हिसाब से क्या है इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब एग्जाम में पूछते हैं ना इंडेंजर्ड, वो आईसीएल लिस्ट से नहीं पूछते। आईसीएल लिस्ट में आप ये समझ लो, जो भी नियर थ्रेटेंड है वो भी इंडेंजर्ड है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो भी इंडेंजर्ड है, और जो इंडेंजर्ड है वो भी इंडेंजर्ड है। केमिकल तो फॉरेस्ट स्टेट इज लॉन्ड एंड मेरी फाउंड इज
नेचुरल हैबिटेट। लर्नटेन में क्या हमने देखा था कि कहाँ देखा, वेस्टर्न घाट में हमने देखा था इसे, रेड से लिख रहे हैं है ना, तो ये इंडेंजर्ड है। क्या है? इंडेंजर्ड। नॉक्टर्नल है क्या? ये नॉक्टर्नल नहीं था। ठीक, वेस्टर्न घाट में भी कहाँ पाया जाता था? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये वाला एरिया वेस्टर्न घाट में पड़ता है ना, इस वाले एरिया में ये पाया जाता था। और एंडेमिक था क्या ये? वहां पे एंडेमिक था, ये सिर्फ यहीं पे पाया जाता था और कहीं ये नहीं पाया जाएगा। लंडन मैगे। फिर आपसे पूछा इसमें से कौन से में नेचुरल हैबिटेट में ये पाया जाता है। ठीक, देखो तमिलनाडु वेस्टर्न घाट में आता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, केरला में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में वेस्टर्न घाट नहीं आते, आंध्र प्रदेश में वेस्टर्न घाट नहीं आते। ये किस में आते हैं? ये आते हैं ईस्टर्न घाट में, आंध्र प्रदेश में आते हैं ईस्टर्न घाट में, इसलिए ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा आंसर पार्ट टू। तो क्या लिखा है? एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। डायुर्नल जैसे नॉट नॉक्टर्नल एंड एर्बोरियल, यानी पेड़ पे रहता है, ह्यूमंस को ये अवॉइड करता है। ठीक, ऐसा ही मैगेट है जो ये सिर्फ कितने अवॉइड करता है, ये ह्यूमंस को अवॉइड करता है, बाकी सारे नहीं करते हैं। साइड इसके अपेंडिक्स बंद, डब्ल्यूपीए की शेड्यूल बंद है क्या? नेशनल कौन से नेशनल पार्क में? वही केरला कर्नाटक के नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। पीछे हमने देख लिया, इसका हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब देखो फिर से रिपीट हो गया, लॉन्टेन में है रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन, तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन को सही से करना है। क्या बोल रहा है? लॉन टेल मेटे मालाबार से बैठ सांबा डियर 2023 में आया था। ठीक है ना, किसी वाला आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा था कि नॉक्टर्नल है या नहीं है? दिस इज नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, इनमें से कौन सा नॉक्टर्नल है ये पूछ रहा था। तो इनमें से कौन सा नॉक्टर्नल है, एक मिनट इसे जूम कर लेते हैं, है ना। नहीं, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। विच इज नॉक्टर्नल है ना, ये पूछ रहा था विच इज नॉक्टर्नल। ठीक है, अभी हम देखते हैं। लॉन्ग टेल मैगे, ये अभी हमने देखा डायगोनल है, नॉक्टर्नल नहीं है। ठीक, तो लॉन्ग टेल मैगे नहीं होगा। मालाबार सिपेट नॉक्टर्नल है, ये मैंने बताया था नॉक्टर्नल है। सांबा डियर नॉक्टर्नल है, सांबा डियर के बारे में और आपको बता दूं। सांबा डियर संभाई हंसन, सांभर डियर ये वल्नरेबल है या शायद लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, चलो वल्नरेबल है कोई बात नहीं, इसका सांभर बना के खाते हैं सब लोग, इसका मतलब WP3 में इतना हंटिंग इसकी ज्यादा प्रोहिबिटेड नहीं है, साइड इफेक्ट में ये नहीं आता है ना। ये भी क्या है? दिस इज नॉक्टर्नल, नेचुरली फाउंड इन इंडिया, लेकिन ये एंडेमिक नहीं है, ओनली इन इंडिया नहीं है, है ना। नेचुरली फाउंड इन इंडिया तो होगा बट नॉट ओनली, ये बात नहीं। तो ये हो गया सांभर डियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सांबर डियर है, मालावर सिपेट है, ब्लड एंड मैगेट नहीं है, तो इसका हो जाएगा ओनली टू। इसका आंसर हो गया ओनली टू। देखो यहाँ पे ब्लड एंड मैगेट डायगनल स्पीसीज है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट है, तो ये ह्यूमन बींग से दूर भागते हैं। ठीक, मालाबार सिपेट क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड मालाबार सिपेट, और मेरे ख्याल से एंडेमिक भी है। हाँ, एंडेमिक है वैक्सीन लार्ज के लिए। मालाबार सिपेट नॉन एंडेमिक, दोनों ही एंडेमिक है। सांबर डियर ये इलूसिव है, क्वाइट इलूसिव होते हैं थोड़े। इंडियन लेपर्ड बंगाल टाइगर ढोले, ढोले क्या होता है? कुत्ता होता है ना, जंगली कुत्ता, तो वो इन्हें खा लेते हैं। तो ओनली टू इज करेक्ट। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो पूछा है कंसीडर द फॉरेन फॉना ऑफ इंडिया, घड़ियाल पूछा है, लेदर बैक टर्टल और फिर स्वयं पटियर, ये तीन पूछा है। लेदर बैक टर्टल, घड़ियाल और स्वयं पटियर, इनसे पूछा है कौन से इसमें से इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो हमें घड़ियाल तो पता है, मेरी बात तो हमने घड़ियाल ऐसे लिखकर लिखा था ब्लू में, समझ लीजिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, साइटीज में ये पाया जाता है, साइटीज WPA बन में, चंबल लिवर में पाया जाता है सबसे ज्यादा, नेचुरल हैबिटेट में, और कहां कहां फ्रेश वाटर स्पीसीज रहेगी, फ्रेश वाटर में ज्यादातर आप देखोगे तो गंगा वाले जितने भी रिवर है, गंगा के जितनी ट्रिब्यूटरी है गंगा है, उसमें घड़ियाल आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, घड़ा टाइप का होता है इसकी चोंच पे, ऐसे करके यहाँ पे घड़ा निकला होता है ऐसे, तो इसीलिए इसे बोलते हैं घड़ियाल, है ना, घड़ा होता है इसकी एक नोक पे। और क्या हम याद कर सकते हैं इसके बारे में, घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड सिटीज ऑफ टू बी वन, चंबल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर स्पीसीज है। ठीक है, बस यही चीज हमें पता होनी चाहिए। तो घड़ियाल तो इसका आंसर हो गया, हाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लेदर बैक टर्टल भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। फिर पूछा स्वयं पटियर, क्या स्वयं पटियर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? स्वयं डियर हम ऐसे तो ग्रीन से लिखते हैं, है ना, स्वयं डियर ये क्या है? बारह सिंगा, बारह सिंगा कहाँ पाया जाता है? ये बारह सिंगा ये कुरू नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पाया था, नेशनल हैबिटेट इसका वही है कुरू नेशनल पार्क। और कहाँ पाया? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये है स्टेट एनिमल, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है ना। और क्या बात कर सकते हो बारह सिंह एनिमल में? जैसे नॉट नॉक्टर्नल, ये डायगनल स्पीसीज है, नॉक्टर्नल नहीं है ना, नेचुरली फाउंड इन इंडिया है, नेचुरली फाउंड इन इंडिया, लेकिन और जगहों पर भी पाया जाता है, तो इसलिए ओनली वाला शब्द आप यहाँ पे नहीं लगा पाओगे। बस यही चीजें हैं और क्या, बारह सिंगा। तो हमने अभी क्या देखा, इसे हमने देखा बर्ड में, इसे हमने देखा इंडेंजर्ड, और इसे हमने देखा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। लेकिन इसके हिसाब से क्या था, जब इसके आंसर की आई तो ये तीनों ही इंडेंजर्ड है ना, तीनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इसके साथ, ठीक, ऑल थ्री आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इसका मतलब आप समझ जाओ जो भी IUCN में थ्रेटेंड है, यानी नियर थ्रेटेंड हो या वल्नरेबल हो या इंडेंजर्ड हो, वो UPSC के हिसाब से क्या है, वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक, उसको ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं, UPPCS में भी नहीं पूछा गया सिर्फ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन हम आते नहीं है। तो हमें सिर्फ इसलिए याद रखना है ताकि अगर ये WPA शेड्यूल में पूछा जाए कि कौन से WPA शेड्यूल में है ना, तो हम लगा सकते हैं, कौन से WPA शेड्यूल में है तो हम इसको कर सकते हैं। अगर ज्यादा इंडेंजर्ड होगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा, तो वो WPA शेड्यूल वन में होगा ही होगा। जब वो ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज है तो वो साइटीज में रखी जाती है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर
अच्छा टेक्स्ट बुक में ये जो साइड है इस पर गलत लिख रखा है कि 1 और 2 इसका आंसर है नो, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में क्या आया था कि सैम पटेल भी क्या था इंडेंजर्ड था। आप देख सकते हो लेदर वेट टर्टल, ये ऑलिव रिडली ग्रीन टर्टल बॉक्स बिल्स है, सारे टर्टल स्पीसीज है उनमें सबसे लंबा है लार्जेस्ट है। ऑल टर्टल नेशनल ग्राउंड में कौन है इंडिया एक्सेप्ट लॉगरहेड टर्टल, तो ये इंडिया में नेचुरली फाउंड होता है ना, WPE के में 1 में IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रेजेंस आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशन में ही रहता है, इट इज फाउंड इन ऑल ओशियंस, सभी ओशियंस में पाया जाता है तो एंडेमिक नहीं है। अंडमान एंड निकोबार में पाया जाएगा कौन सा लेदरबैक टर्टल, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन टर्टल भी कहते हैं इसे और लेदरबैक टर्टल भी कहते हैं, है ना, तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है WPA 1 में है, याद रखेंगे। नेचुरली फाउंड इन इंडिया बट नॉट ओनली नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा था इसमें टेक्स्ट बुक में तो ये 1 और 2 दे रखा है ना, फिर ये क्वेश्चन देखो 87 वाला है और ये सेट ए है, सेट ए में 87 वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखना क्या है, ये ओबीसी की ऑफिशियल आंसर की है और इसमें 87 का सी दिखा रहा है, तो इसलिए समझ जाओ सी का मतलब क्या 1, 2, 3 ये तीनों क्या हो गए इंडेंजर्ड हो गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा इफ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट तो आपको बेस्ट प्लेस क्या है विजिट करने की, घड़ियाल को आपको किसमें देखना है नेचुरल हैबिटेट में देखना है, तो व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, फ्रेश वाटर स्पीसीज है चंबल रिवर, ठीक, भीतरगढ़ का क्या है साल्ट वाटर, पुलिकत लेक फ्रेश वाटर तो नहीं है, डी फॉर बी डी फॉर बी ये कहां मिलती है ये आसाम में मिलती है, ये भी शायद फ्रेश वाटर नहीं है, इसलिए हमने बोल दिया क्या चंबल। यहाँ पे सेंचुरी भी है घड़ियाल के लिए, चंबल सेंचुरी नेशनल चंबल सेंचुरी ये ट्राई जंक्शन पे है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान के ट्राई जंक्शन पे है। घड़ियाल के अलावा यहाँ पे मगर क्रोकोडाइल भी मिलते हैं, है ना, रेड क्राउन रूट टर्टल भी मिलते हैं, इंडियन स्किमर और ये सारी चीजें भी मिल जाती है। फिर देखो घड़ियाल घड़ियाल कितनी बार पूछा गया है ना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है घड़ियाल पे, 2 बार अभी मैंने पिछले दिखाया, नेचुरल हैबिटेट पूछी उसकी घड़ियाल की, उससे पहले पूछा वो कौन से लिस्ट में आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो नहीं है ये पूछा, फिर तीसरी बार तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि WPA 1 अकॉर्डिंग टू WPA विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन, है ना, कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस मेड बाय द लॉ, तो ये कौन से आते हैं ये WPA 1 में लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली आपसे इनडायरेक्टली आपसे पूछा कि WPA 1 में कौन सा आता है, इनमें से कौन सा एनिमल WPA 1 में आता है ना, एक तो घड़ियाल हो गया इंडियन वाइल्ड लाइफ और बाय वेबर इन्हें देख लेते हैं, सबसे पहले ये आईयूसीएन लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है घड़ियाल, तो ये WPA तो आता ही है, ये हमें पता है WPA और साइड 1 में ही आता है, इंडियन वाइल्ड लाइफ ये नियर थ्रेट एंड है फिर भी ये WPA 1 में आता है क्योंकि और कहीं नहीं पाया जाता, दिस इज ओनली एंडेमिक टू जो गुल्फ ऑफ पेरिया रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है वहीं पे पाया जाता है, और ये फॉसिल्स जूरीपोरा नाम की एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की वजह से बहुत ज्यादा इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, और ये बायोवाटर रिफोल ये छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है और ये क्या है नियर वल्नरेबल है, ग्रीन लिखा है ना तो वल्नरेबल है बायोवाटर रिफोल, तो ये भी WPA और साइटिस में 1 में आता है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर रहेगा 1, 2 और 3 ये तीनों ही WPA 1 में आते हैं, ठीक है,
नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन द फॉलोइंग स्टेट। तो ट्रायलेशन पे था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ट्रायलेशन पे था। किसमें नहीं पाया था? हरियाणा में नहीं पाया था। तो ये हरियाणा स्थान जाएगा आंसर। नेशनल चंबल सेंचुरी हरियाणा में आपको देखने को नहीं मिलेगी। देन नेशनल चंबल सेंचुरी की एक खास बात बता देता हूँ, ठीक है। नेशनल चंबल सेंचुरी यहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगे? घड़ियाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी, और एक चीज और देखने को मिल जाएगी आपके, घड़ियाल हो गए, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हो गया, घड़ियाल हो गया, और एक स्पीशीज और पाई जाती है इसमें, हाँ, रेड क्राउन रूफ रेड, ठीक है, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ये इंडेंजर्ड। नेगेटिव रिवर डॉल्फिन के बारे में, ये ब्लाइंड होती हैं और सोनार का यूज करती हैं, इसीलिए सोनार मतलब इको लोकेशन वाला जो चीज है वही यूज करती है। आगे क्या पूछा है आपसे, ये पूछा विच आर द फॉलोइंग आर मैमल, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन। तो मैमल देखो, सी काउ एक मैमल है, सी हॉर्स एक फिश होती है ना, तो ये मैमल नहीं है, टू वाला गलत हो गया, सी काउ, सी लायन ठीक है, तो वन एंड थ्री है ना, सी काउ और भी एग्जाम से आंसर जाती है, दिस इज डुगोंग, और सी लॉयन कितना, सी लॉयन मतलब ये होता है कार्निंग होता, बड़ी बड़ी फिश के ऊपर हमला करता है, उसे खाता है सी लॉयन, सी का डुगोंग इसीलिए हर्बी बोरस नहीं है। और ये कहां पाई जाती है? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में, ये डुगोंग देखने को मिल जाएगा है ना, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये कहां पे है? ये तमिलनाडु में है। डुगोंग किसमें पाई जाती है? डब्ल्यू पी ए वन साइटिस वन। और डुगोंग के बारे में क्या लिखोगे? दिस इज वल्नरेबल। और भी नहीं है, पाई सकती है, नेचुरली फाउंड इन इंडिया है, बट नॉट नेचुरली, ओनली नेचुरली फाउंड इन इंडिया है ना, सी और सी फिश है, इसलिए मैमल नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ मैमल है ना। देख सकते हो स्टेलस की कॉपी कहते हैं इसे, एक्समिक सेरेनियन है, डुगोंग है, एंड द नेम सी कॉप, हर्बीवोरस एक्वाटिक एनिमल। सी हॉर्स को भी देखो, चलो सी हॉर्स जैसे सुनो जैसे कुछ नहीं याद रखते, बस ये फिर फिर से ही याद रखना है। हेड एंड नेक रिसेंबल लेटर ऑफ हॉर्स, हॉर्स की तरह इसका हेड होता है, सी में पाया था इसलिए इसका नाम है सी हॉर्स इज गिवन टू दिस एनिमल। ये बोनी फिश है, सी लायन क्या है? कार्निवोरस एक्वाटिक एनिमल है। स्टेलर सी लायन लार्जेस्ट होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है ऑस्ट्रेलियन सी लायन, ये सब इंडेंजर्ड। मैमल्स आप पता ही, आपको मेमोरी ग्लैंड्स होती है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये सब मैमल्स के बारे में आपको पता है। फिर पूछ रहा है फिर से, देखो सी और फिर से मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही क्या होता है, रिपीट होता है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। पूछ रहा है बिच ऑफ द फॉलोइंग आर डेड राइटिवोरस, डेड राइटिवोरस क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी लेते हैं, दैट आर नोन एज डेड राइटिवोरस, वो होते हैं। तो सी हॉर्स क्या एक फिश है? अचानक ये छोटी फिश को खाती भी होगी, लेकिन उनके डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके तो नहीं खाती है ना, तो इसलिए सी हॉर्स गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत आंसर आपको यहीं से मिल गया। मतलब पी वाई की भी करा होता पिछले वाला, तो आप ये वाला भी आंसर क्या दे देते? सही दे देते, पी वाई क्यू के ऊपर है पूरा सवाल।
तो इसका आंसर क्या है 135। हम इसे सही से देखेंगे, वुड लाइस, मिलीपैक्स, अर्थवॉर्म, ये है डेट्राइटिवोरस। जेली फिश भी क्या है? डेट्राइटिवोरस नहीं है। सेल्फ रेस्पेंस से कौन हो गया? अर्थवॉर्म है ना, मिलीपिक्स और एक हो गया हमारा अर्थवॉर्म, मिलीपिक्स एंड वुड लाइस। इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, मिलीपिक्स क्या होता है, वुड लाइस क्या होता है। चर्चा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, रीड हो सकता है वुड लाइस और मिलीपिक्स। ये क्या चीज है, वुड लाइस क्या है, मिलीपिक्स क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसको हम सही से अभी देखेंगे। न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन डेड राइटस। डेड राइटस इज द ऑर्गेनिक मैटर मेड अप ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। डेट्राइटिवोरस और ऑफन इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट्स जैसे कि बीटल्स, बटरफ्लाइज, मॉलस, ये सब हो सकते हैं। अर्थवॉर्म, मिलीपेड्स एंड वुड लाइस। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। दीज आर द डेट्राइटिवोरस, मिलीपेड्स एंड वुड लाइस। ये पानी में पाए जाते हैं, मिलीपेड्स एंड वुड लाइस से देख लेगा, मिलीपेड्स एंड वुड लाइस। ठीक है, एक्वाटिक डेट्रिवोरस है या फिर कौन सा है? पेस्टी क्रिएचर्स, मिलीपेड। मेजर देख रहे हैं इस तरह का होता है मिलीपेड। ठीक है, ये होता है डेट्राइटिवोरस है ना, पाता टाइप का होता है ये है मिलीपेड है ना। और ये क्या है, इनवर्टिब्रेट है और ये डेट्राइटिवोरस है। एक ही और होती है सेंट्रीपेड, सेंट्रीपेड भी इसी की तरह होता है ना, मिलीपेड और सेंट्रीपेड। ये क्या है, डेट्राइटिवोरस है। क्या करते हैं, सॉइल डेलिंग, अर्थवॉर्म सॉइल को डेल करते हैं ना, वुड लाइस। डेट्राइटिवोरस और क्या देंगे आप, माइट्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज भी क्या है, किसमें आती है, ये डेट्राइटिवोरस में आती है। मॉलस्क भी में भी आती है, मॉलस्क, मॉलस्क क्या है, डेट्राइटिवोरस में। स्नेल और मॉलस्क भी क्या है, ये भी डेट्राइटिवोरस होते हैं। ठीक, ये हमने क्या देखा, मिलीपेड। एक बार देखते हैं वुड लाइस, वुड लाइस ये होता है वुड लाइस, एक कॉकरोच की तरह होता है, वुड लाइस। तो रोल भी कर लेता है अपनी बॉडी को ना, गुड लाइफ। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा एनिमल अपनी बॉडी को रोल कर लेता है, तो उसका आंसर है गुड लाइफ भी है ना, गुड लाइफ जो है रोल कर लेगा। डेट्राइटिवोरस है, हर जगह पाया जाता है, गुड पे ज्यादा पाया जाएगा, इस जगह गुड पे ज्यादा पाया जाता है ये गुड लाइफ है ना। टर्माइट की तरह कह सकते हैं इसको, सो दिस इज लाइक दिस, ऐसे करके अपने आप बॉडी को
रोल कर लेता है। सिर्फ एक्यूटिक नहीं है ये वुड के ऊपर पाया जाएगा, वुड लाइस। मिलीपेड साहब ने देख लिया अभी, तो मिलीपेड भी एक टेट्राहेड्रल है ना, और वुड लाइस भी एक टेट्राहेड्रल है। ये क्या कर लेता है, ये रोल कर लेता है अपनी बॉडी को, रोल देयर बॉडी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है वुड लाइस में, है ना, वुड लाइस। याद रखना है सर, ये डेट्राहेड्रल है और अपनी बॉडी को रोल कर लेगा बस। मेलीपेड सेंट्रीपेड, और हमने क्या देखा, स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स, मॉलस्क, इवन बटरफ्लाई एंड बीटल्स, ये भी क्या है, एक टाइप की डेट्राहेड्रल है। बटरफ्लाई भी क्या है, डेट्राहेड्रल है, ठीक। बीटल्स भी, मॉलस्क भी, ये सारी चीजें डेट्राहेड्रल में आती है। फिर हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल, तो टेट्राहेड्रल मैराइन एनवायरमेंट। हम मैराइन एनवायरमेंट की बात करते हैं, ये क्या मैराइन एनवायरमेंट वाले देखे नहीं, ये जो मिलीपेड था है ना, और ये था गुड लाइफ। तो ये मैराइन नहीं है, ये कहां पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल टेट्राहेड्रल ये है। मैराइन वाले कौन से, मैराइन वाले क्रस्टेशियंस है। क्रस्टेशियंस में कौन आता है, क्रैब्स आता है। क्रैब्स क्या है, एक डेट्राहेड्रल है। लॉबस्टर, इक्विनोडर्म, सी स्टार या सी कुकुम्बर, सी स्टार सी कुकुम्बर भी याद रखेंगे ना। क्रस्टेशियंस ये है डेट्राहेड्रल एक्वाटिक एनवायरमेंट के। क्रस्टेशियंस में कौन सा आ जाता है, सी स्टार, ये सी कुकुम्बर, सी का कीड़ा, ये आपका आ जाएगा क्रैब्स, या फिर इक्विनोडर्म। ये स्पीसीज सी के डेट्राहेड्रल है, और ये मैंने बताया फ्लाइज, बटरफ्लाइज, मॉलस्क, स्नेल, मिलीपेड्स, वुड लाइस, ये सब अपने टेरेस्ट्रियल में आ जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म इन्हें क्या कहते हैं, बॉटम फीडर्स भी कहा जाता है। मैराइन डेट्राहेड्रल सिमिलर नाइकी टू द टेरेस्ट्रियल पॉलिनाइजर्स लिविंग ऑन विदिन द सी बेड नोन एज बेंथोस। ये कहां पर आया था, एक्वेटिक जो डेट्राहेड्रल है, ये सी के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ये अगर सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे डेट्राहेड्रल, है ना। क्रस्टेशियन देखने को मिल जाएगा, क्रैब्स देखने को मिल जाएंगे, सी कुकुम्बर या फिर सी स्टार, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दीज आर नोन एज, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बॉटम फीडर भी बोलते हैं। एक्वेटिक स्टेशनरी पॉलीक्रेटिक बॉम्ब वर्मिकल्स एंड सम पोरस ड्राइव द एनर्जी थ्रू फिल्टर फीडिंग ऑन फ्लोटिंग ऑर्गेनिक डेट्राइटस कॉल्ड मैराइन स्पॉन्ज। कुछ पोरस भी एक डेट्राहेड्रल का काम करते हैं, जो फ्लोट कर रहा होता है ऑर्गेनिक डेट्राइटस, उस पर फीड करते हैं पोरस। तो दीज आर नोन एज मैराइन स्पॉन्ज, इसे क्या बोलते हैं, मैराइन स्पॉन्ज बोलते हैं। डेट्राहेड्रल एंड डिकम्पोजर कॉन्ट्रीब्यूट टू द ब्रेकडाउन ऑफ ऑल डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल इन एनी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में करेंगे, और इस तरह से वो एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। कार्बन साइकिल हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, या फॉस्फोरस साइकिल हो, इन सब में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कौन, डेट्राहेड्रल या डिकम्पोजर। हम समझ गए कि टेरेस्ट्रियल वाले जो डेट्राहेड्रल हैं, टेरेस्ट्रियल वाले वो कौन है, एक तो गुड लाइफ जो अपनी बॉडी को रूल कर लेगा, है ना, गुड लाइफ, और एक हमने कौन सा देखा था अभी, मिलीपेड। फिर हमने देखा अर्थ बॉम्ब, है ना, और इसके बाद भी हमने देखा था एक अर्थबॉम, मिलीपेड्स, वुड लाइस, देन वी हैव बटरफ्लाइज भी इसी में आती है, बटरफ्लाइज और ये फ्लाइज, ये डायरेक्टर वाले में आती है। अगर एक्यूटिक की बात करें, दीज आर नोन एज बॉटम फीडर, बॉटम फीडर एक्यूटिक डेट्राहेड्रल। इसमें कौन आते हैं, क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन में आते हैं क्रैब्स,
है ना, कुछ कोरल्स भी होते हैं, और जो इसमें स्नो होती है मैराइन स्नो बोलते हैं इसे, मैराइन स्नो जो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मटर होता है उसे बोलते हैं मैराइन स्नो। सी कुकुम्बर या सी स्टार ये भी इसी में आते हैं, सी कुकुम्बर है ना। सो दीज आर द डेटरेटिवर्स एंड डिकम्पोजर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, चाहे वो एक्वेटिक को हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल का हो, ये दोनों का काम क्या है, ये किसमें रोल प्ले करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में, फॉस्फोरस साइकिल में और कार्बन साइकिल में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फॉस्फोरस को फिक्स करते हैं एंड कार्बन को ये फिक्स करते हैं, इतना इनका इंपॉर्टेंट रोल है। जेलीफिश कार्निवोर है ना, जेलीफिश क्या है, एक कार्निवोर है। ठीक है, तो जेलीफिश इज लाइक सी लायन, ये कार्निवोर है। ये सी हॉर्स ये डिकम्पोजर तो नहीं है ना, ये डिकम्पोजर तो नहीं है, है कार्निवोर ही है। तो जितनी भी फिश है वो तो कार्निवोर नहीं है, चाहे वो सी हॉर्स हो है ना, चाहे वो जेली फिश हो, ठीक है, डिजर्व कार्निवोर, यानी ये सी लाइन के काम करती है, सी लाइन के काम करती है, मतलब है तो ये फिश, जेली फिश है, सी सी हॉर्स है, तो डिजर्व कार्निवोर फिश, डिजर्व कार्निवोर फिश, लेकिन डिकम्पोजर थोड़ी ना, दीज आर नॉट डिकम्पोजर एंड डेट्रैटिक बोनस। देखो फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है ना, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, तो फूड चेन में ये है डायटम्स क्रस्टेशियन एनिमल्स, डायटम्स होते हैं क्रस्टेशियन, हमने कौन से देखे, ये होते हैं वो डेट्रैटिक बोनस, क्रस्टेशियन में कौन खा लेता है, हैरिंग, और क्रस्टेशियन किसे कहता है, डायटम, तो डायटम सबसे बेसिक लेवल है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में। डायटम क्या होता है ये देख लेते हैं, ये डायटम है ना, बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप का ही पाया था डायटम, ठीक है, दिस इज लाइक डायटम, इस तरह से दिखता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको डायटम मिलेगा। फिर उसे कौन खाएगा, क्रस्टेशियन, और क्रस्टेशियन कौन खाएगा, हेरिंग, क्रस्टेशियन भी देख लेते हैं, इसका फोटो क्रस्टेशियन का, क्रस्टेशियन दिस इज लाइक क्रस्टेशियन, क्रैब टाइप का होता है, ठीक है, दिस इज लाइक क्रैब है ना, क्रस्टेशियन में सब क्रैब ही आते हैं ज्यादातर, ये क्रस्टेशियन है, जैसा आपको स्टारफिश भी क्रस्टेशियन है ना, कैंसर हर्मिट लॉबस्टर इंपॉर्टेंट है, क्रैब हो गया, क्रैबफिश हो गया, लॉबस्टर है ना, क्रैब, श्रिम्प, ये सब किस में आ जाते हैं, दीज आर क्रस्टेशियंस, सो क्रैब टाइप की मछलियां या स्टारफिश, सी कुकुम्बर, ये सब आपको क्रस्टेशियन है। हमने देखा था बुड लाइस, वो अपनी बॉडी को कर लेता था, राउंड कर लेता था, कवर कर लेता था या रोल कर लेता था, ये सब क्रैब्स में आ जाते हैं क्रस्टेशियन, ये खाते क्या है, डायटम। अब क्रस्टेशियन कौन खाता है, हेरिंग्स, हेरिंग खाते हैं, क्रस्टेशियन में एक चीज हमने और देख ली, अच्छा हेरिंग किसे कहते हैं, मछली को ही कहते हैं, हेरिंग इज इक्वल टू फिश, कोई भी फिश होगी हेरिंग, सी हॉर्स हो गया है ना, जेली फिश होगी तो वो क्रस्टेशियन को खा लेगी, क्रैब्स को वो खा लेगी, तो इसलिए वो क्या है, वो एक अपर लेवल में है फूड चेन की, वो एक अपर लेवल में, एक्वेटिक सिस्टम ऐसे चलता है।
क्रस्टेशियन को कौन खा रहा है? हेरिंग, यानी फिश। और डायटम से कौन खा रहा था? क्रस्टेशियन। फिश किसे खाएगी? देखो फिश किसे खाएगी, इन सबको ही फिश खाएगी, इन सबको, लॉबस्टर, स्टार फिश, सी कुकुम्बर, कैंसर हर्मिट, लॉबस्टर, ये सब इन्हें खाएगी फिश, या फिर हेरिंग। फिश को और क्या करें? हेरिंग करें। क्रस्टेशियन किसे खाएंगे? क्रस्टेशियन किसे खाएंगे? डायटम्स। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये तो सॉलिटरी कवर करेंगे, कॉलोनीज में रहते हैं। फोटोसिंथेसिस एल्गी भी इन्हें कह सकते हैं, इन्हें क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं एल्गी। सो अब हमें ये बात समझ में आ गई, डायटम को कौन खा रहा है? क्रस्टेशियन खा रहा है, और क्रस्टेशियन को कौन खा रहा है? हेरिंग्स। हेरिंग्स हमने समझ लिया फिश है, क्रस्टेशियन हमने देख लिए, दीज आर द लॉबस्टर, है ना, लॉबस्टर है ये, और क्या है इसमें? स्टार फिश आती है, और सी कुकुम्बर आपको देखने को मिल जाएगा, क्रैब्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इन सबको ही फिश खा लेगी हेरिंग। और डायटम यूनिसेलुलर एल्गी है, कुछ नहीं है, यूनिसेलुलर एल्गी है। पढ़ लेते हैं इनके बारे में, ये क्रस्टेशियन क्या है? क्रस्टेशियन डेट्राइटिफोरस की है, याद रखो डेट्राइटिफोरस। हेरिंग्स आर फिश, दे ईट क्रस्टेशियंस। इसमें क्या है देखो, क्रैब्स है, लॉबस्टर है, क्रेफिश है, श्रिम्प है, है ना, बार्निकल्स है। बार्निकल्स भी किसमें होते हैं? क्रस्टेशियंस में होते हैं। बाकी आपका डायटम जैसे यूनिसेलुलर एल्गी होगी, यूनिसेलुलर ये कोको कुछ है, साइनोबैक्टीरिया भी आपको किसमें आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है साइनोबैक्टीरिया, उसे भी क्रस्टेशियन खाता है, है ना, साइनोबैक्टीरिया, ये भी याद रखना है। दिस इज नॉट, दिस इज नथिंग बट ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे कोरल्स भी खाते हैं साइनोबैक्टीरिया, है ना, कोरल्स भी खाते हैं। फाइटोप्लांकटन क्या है? दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड। सबसे पहले क्या है? नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये पूछा है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है, नेचुरली फाउंड इन इंडिया बताओ उसमें से कौन सा है? ठीक है, पिग्मी हॉग। अब हम देख लेते हैं भाई क्या क्या चीजें हमने लिखी थी अपने मैप पे, जब हमने बताया था तो पिग्मी हॉग ने किससे लिखा था? ब्लू कलर से लिखा था। दिस वॉज कैटेगरी इंडेंजर्ड WPA 1, सो दिस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मॉनिटर लिजार्ड, ये मेरे ख्याल से नियर थ्रेटेंड या लीस्ट कंसर्न वाली श्रेणी में आएगा, और ये इंडिया में पाया जाता है ना, इंडिया में पाया जाता है, ये तो हमें पता है। स्टार टर्टल्स, स्टार टर्टल्स याद होगा, ये वल्नरेबल कैटेगरी है, और ये साइटीज में इसकी बात हुई थी, इंडिया ने बोला था इसे साइटीज वन में रख दो, अब इंडिया ने बोला होगा तो इसका मतलब इंडिया में नेचुरली फाउंड होगा ही होगा, सो दिस इज राइट। स्टार्ट होता है मॉन्टल रिजल्ट पिग्मी हॉग। स्पाइडर मंकी हमने नहीं देखा, सो ये हमने नहीं देखा है, है ना, स्पाइडर मंकी। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है न्यू वर्ल्ड कंट्री, ये न्यू वर्ल्ड मंकी है, न्यू वर्ल्ड वाली कंट्रीज में पाया जाता है। व्हाट इज ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड? ओल्ड वर्ल्ड क्या है? जैसे ये आपका क्या है? नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और इधर आप चले जाओ तो ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा यूरोप, ये हमारा इंडिया आ गया ऐसे करके। सो अफ्रीका एंड यूरोप, पहले ही हम लोग सोचते थे ना वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले, अफ्रीका यूरोप मतलब कि वर्ल्ड इतना ही है, पहले ये वाला वर्ल्ड जो है डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे? ओल्ड वर्ल्ड। और ये जो अमेरिका है ये बाद में डिस्कवर हुआ था, इसलिए हम इसे बोलते हैं न्यू वर्ल्ड। सो ये न्यू वर्ल्ड का मंकी है, इंडिया में ये नहीं पाया जाता स्पाइडर मंकी। तो इसका आंसर क्या हो गया फिर? इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देख सकते हो स्टार टर्टल्स, है ना, इसकी बात हुई थी,
इंडिया ने करी थी, फ्राइडेज अपेंडिक्स बंद करने की बात हुई थी, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका हमने पाया था एंड दिस इज इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड या वल्नरेबल ऐसे कुछ था, है ना, एक्सप्लॉइट टॉर्पिस। साइंटिफिक नेम ये सब हमें नहीं याद। मॉनिटर रिजॉल्ट ये इतनी जगह पाई जा रही है ना, आसपास की जितनी देश है सब जगह मॉनिटर रिजॉल्ट आपको देखने को मिलेगी। साइटिस अपेंडिक्स बन में है और WPA भी बन में है। ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए और खाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मॉनिटर रिजॉल्ट का मॉनिटर रिजॉल्ट देख लो, ये बंगाल मॉनिटर, ये कॉमन इंडियन मॉनिटर है। बंगाल मॉनिटर रिजॉल्ट भी इसे कहते हैं। वैसे देख लो है ना, अफगानिस्तान और आसपास के देश में सब जगह पाई जा रही है, इंडिया में भी पाई जा रही है। क्या नाम है इसका? मॉनिटर लिजर्ड। और ये किसमें है? ये साइटिस के वन में है। मॉनिटर लिजर्ड, ठीक है। ये है मॉनिटर लिजर्ड, ठीक है। रेप्टाइल्स में आती है, इस तरह की होती है। तो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए हंट करी जाती है, बहुत भारी होती है रेप्टाइल है, ठीक। ये है मॉनिटर लिजर्ड, है ना। इंडिया में कहां पाई जाती है? अंडमान मॉनिटर लिजर्ड, है ना, अंडमान आइलैंड में आपको देखने को मिल जाएगी। और साउथ ईस्ट एशियन मॉनिटर, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आपको देखने को मिल सकती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान में आपको देखने को मिल जाएगी ये मॉनिटर लिजर्ड। ऐसा है, देखो ऐसा है इंडिया, क्या बना देते हैं ऐसा, और यहाँ पे एनवायरमेंटिक होगा। तो इंडियन लिजर्ड जो है, इंडियन मॉनिटर लिजर्ड जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो यहाँ पाई जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाएगी, इस तरह से, ठीक। ये इसका एरिया होगा, नेचुरली फाउंड तो है ही और आसपास भी पाई जाती है। साइट ईस्ट के बनने हैं, शेड्यूल बनने हैं, एक में बताइए माला से जैसे पार्क में WPA बनने मेहमान है। स्पाइडर मंकी ये सेंटर ऑफ साउथ अमेरिका में पाया जाएगा, वो भी किसमें? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। सो अब हम देखते हैं आगे। पूछा इन इंडिया इट इज स्पीसीज ऑफ टर्टल्स इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल वन, WPA वन में अंदर आ गई। अगर कोई भी टर्टल्स किसमें रख दिया गया? WPA वन में रख दिया गया, तो इसका मतलब क्या होगा? सो इसका मतलब ये होगा, पहले और पढ़ लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर हो सकता है। आगे देखते हैं, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, ए फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटेंशन। तो ये तो कितने हो गया? एक्सटेंट हो गया, इम्पॉसिबल है, तो फिर हम क्यों रखेंगे उसे भाई? तो फिर हम शेड्यूल वन में क्यों रखेंगे? अगर वो एक्सटेंट ही है तो हम क्या करेंगे? इम्पॉसिबल, ये तो गलत है। ये वाला गलत है, तो ये भी गलत हो गया। एंडेमिक टू ए पार्टिकुलर रीजन, अगर कोई चीज एंडेमिक है उसे WPA1 में रखना जरूरी है क्या? अब मान लो पैशन घाट में जैसे कोई स्टेप ईगल पाई जाती है, ईस्टर्न घाट में याद कर लेते हैं, स्टेप ईगल पाई जाती है और इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उसी रीजन में, बहुत ज्यादा, तो क्या आप क्या करोगे? उसे WPA1 में रखोगे या नहीं रखोगे? तो ये भी गलत है, जरूरी नहीं होता कि एंडेमिक वाले स्पीसीज को हम WPA1 में रखें, है ना, ये तो कोई जरूरी नहीं। ये वाला ठीक है, सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर। टाइगर की प्रोटेक्शन लेवल क्या है? WPA1।
ये टायर की प्रोटेक्शन लेवल है। टायर का साइज में आता है 1 मीटर। तो दिस इज द पैटर्न। अच्छा ये वाला देखते हैं, है ना, लाइक दिस। केंद्र को पूछ रहा है अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन। पोचिंग तो हो रही है, पोचिंग के अलावा और कौन से थ्रेट्स हैं गंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में, ये पूछा आपसे, है ना। सो वन मिनट, पहले तो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में पता होना चाहिए, ये इंडेंजर्ड है ना। और क्या पता होना चाहिए कि ब्लाइंड है, ये सोनार का इस्तेमाल कर दिए चलने के लिए, दिस इज ब्लाइंड। कहाँ पाई जाती है, चंबल रिवर सेंचुरी जो है ना वहां पे भी ये पाई जाती है। WPA वन में है ना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। और गंगा में भी पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र में भी पाई जाती है, और भी पाई जाती है भाई, और भी एनिमल मतलब इंडिया में पाई जाती है, बांग्लादेश में भी पाई जाती है। तो इसे नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज है। क्या है, फ्रेश वाटर स्पीसीज है, नॉट साल्ट वाटर। इतनी सारी चीज पता है। फिर पूछ रहा है इसके पॉसिबल रीजन क्या है डिक्लाइन के, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेजेस ऑन रिवर्स। ये तो हो सकता है, अगर आप रिवर पे कोई डैम बना रहे हो तो वो खतरा हो सकता है इसके लिए। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन रिवर्स, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या इस पर खतरा आ सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। क्योंकि आपको पता है, अच्छा एक चीज सोचो, नेशनल चंबल सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर एरिया में बनाई गई है, वहां पे घड़ियाल भी पाए जाते हैं और ये नेगेटिव रिवर डॉल्फिन भी पाए जाते हैं, नेगेटिव रिवर डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। तो इन्हें एक साथ क्यों इंट्रोड्यूस करा होगा, अगर ये इसकी खतरा था तो इसे हम इंट्रोड्यूस नहीं करते वहां पे, है ना। घड़ियाल को अलग इसको इंट्रोड्यूस करते और इसको अलग इंट्रोड्यूस करते, सो दिस इज रॉन्ग। ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किस पे, डॉल्फिन के ऊपर, क्योंकि क्रोकोडाइल डॉल्फिन को नहीं खा सकता ना, क्रोकोडाइल खा लेगा, नहीं खा पाएगा। गेटिंग ट्रैप इन फिशिंग नेट एक्सीडेंटली, हाँ ये हो सकता है, फिशिंग नेट कोई है बड़ा सा उसमें फंस गए डॉल्फिन, तो बिल्कुल हो सकता है। अरे क्रोकोडाइल को तो ऑर्डर भी भगा देता है, ऑर्डर जो हमने पढ़ा था, ऑर्डर एनिमल होता है ना, वल्नरेबल है, तो उसे वो भी मतलब क्रोकोडाइल को हटा देता है, तो ये डॉल्फिन तो हटाई देगी ना। उसके बाद यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स इन द वेजिनेटिंग ऑफ रिवर, ये भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है ना। टू तो नहीं है इसका आंसर, आंसर क्या हो गया, 1, 3, 4। अच्छा एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें बोला गया था इनमें से कौन से में व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर डिक्लाइन फॉर दिस स्पीसीज, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन नहीं थी कुछ और था, और उसमें बोला कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और द केमिकल्स जब रिवर्स में गिरते हैं तो इसकी वजह से भी डिक्लाइन हो जाता है, तो दैट ऑप्शन वाज रॉन्ग। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन था, तो अभी देखते हैं ना, लेकिन वो ऑप्शन क्या था, गलत हो गया था। ठीक, तो 1, 3, 4 इसका आंसर है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल याद रखना है, इंटरनेशनल डॉल्फिन डे कब मनाते हैं, 14 अप्रैल, और भाई इतना नहीं याद रखते हैं, 14 अप्रैल मनाते हैं ऐसा कुछ। थ्रेटन प्राइमरी डैमिंग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हैबिटेट जो उसकी थी वो टूट रही है, डिग्रेड हो रही है उसकी हैबिटेट, आइसोलेट पॉपुलेशन, प्रिवेंटिंग सीजनल माइग्रेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इज नथिंग टू डू विद द डिक्लाइन इन गैंग्स रिवर डॉल्फिन। क्रोकोडाइल की जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गैंग्स रिवर डॉल्फिन से कोई मतलब उसका नहीं है, ये हो जाएगा रॉन्ग। फिर देखो, फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हुआ, क्या पूछा,
नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा इसका आंसर? गैंगेटिक डॉल्फिन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हमें घड़ियाल भी पता है, ओलिव रिडले सी टर्टल ही कहां पाए जाते हैं? ओलिव रिडले सी टर्टल है ना, ये है वल्नरेबल, ये कहां पाए जाते हैं? गहीर माथा बीच गहीरमाथा बीच किसके पास है? भीतर कणिका नेत्र द्वार, कणिका का गहरा माथा। और ओलिव रिडले सी टर्टल की बारे में और क्या कह सकते हैं? ये WPA वन में होगा ही, साल्ट वाटर में पाया जाता है ना, क्योंकि भीतर कणिका क्या है? साल्ट वाटर है, ये साल्ट वाटर स्थित हो गई। ओलिव रिडले सी टर्टल साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये भी वहीं पे देखने को मिल जाएगा भीतर कणिका में। एंड गंगेटी डॉल्फिन वही क्लियर होगी, ये दोनों फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं, ये दोनों साल्ट वाटर स्पीसीज हैं। अच्छा, ये सब कुछ इसके बारे में दे रखा है, ठीक है। एम्फीबियंस डुगोंग दे रहे थे, डुगोंग अभी हमने पढ़ा था, सी काओ है, हर्बीवोरस है, WPA1 CITES1 गल्फ ऑफ बर्मा नेशनल पार्क श्रीलंका में पाई जाती है, ये सब हमने देख लिया। फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हर्बीवोरस मैरिन एनिमल है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट होता है, ऐसे सी हॉर्स पूछा 2 बार, फिर पूछा सी काओ 1 बार, फिर डुगोंग पूछा, फिर से रिपीट, 4 बार एक ही चीज रिपीट हो गई। डॉल्फिन पूछा 2 बार, घड़ियाल पूछा 3 बार, तो वही सारी स्पीशीज क्या हो रही है? ज्यादातर रिपीट हो रही है, हमें सिर्फ वही पढ़नी है। लॉन्टेड मैगेक 2 बार, स्वैम्प डियर 2 बार, है ना, तो ये चीजें रिपीट होती रहती है। हर्बीवोरस मैरिन एनिमल, इसी तरह से हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो पॉल्यूशन बहुत लंबा है, अगर आप पढ़ोगे तो उसको PhD कर सकते हो पॉल्यूशन के ऊपर, है ना, तो पूरा पॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, उसमें जो आई हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है उस पर हम PhD कर डालेंगे, है ना। आई हुए क्वेश्चन हमें सबसे पहले देखते हैं, ऑल PYQ आर मस्ट, और उसमें जो आई हुए क्वेश्चन है वो हम देखेंगे जो पॉल्यूशन वाला चैप्टर करेंगे तो। एंड देन हमारा एक और चैप्टर रह गया इकोलॉजी, इकोलॉजी को हम एसेंशियल ऑफ इकोलॉजी बुक से कवर करने वाले हैं। एंड देन हाँ, क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी वो हम PMF-5 से कवर करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं, तो ये तो सही हो गया, हर्बीवोरस मैरिन एनिमल है, इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि ऐसे पूछ रहे हैं ना, एंटायर ओनली ऑल, ये भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, ये हमेशा गलत होते हैं, ये हमेशा गलत होती है, इसका जवाब गलत। इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ WPA, WPA के वन में आता है, WPA के वन में आता है, दुगोंग हाँ WPA के वन में आता है, सो 1 and 3 आर राइट, दुगोंग में WPA वन में आता है, इंटायर कोस्ट में नहीं पाया जाता, ठीक है। देख लो भाई, गुल्फ ऑफ मन्ना, गुल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 3 ही जगह है जहां पे जो डुगोंग है वो पाया जाता है ना, गुल्फ ऑफ मन्ना, गुल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। WPA 1 मेरी जब पूछा आपसे सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस का क्या पूछा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइज़ आइलैंड विद एस्चुरीज, बीचेस, साल्ट मार्शेस एंड मैंग्रोव्स, ये क्या करके देखते हैं हम, सुंदर रामसर साइट है, सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरबन, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, मैंग्रोव भी यहाँ पे पाए जा सकते हैं क्योंकि कोस्ट पे है ना, तो मैंग्रोव यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर बोला ईश्वरीज भी यहाँ पे पाई जाती है, जैसे रिवर्स वगैरह की ईश्वरीज में यहाँ
पाई जा सकती है। बीच भी यहाँ देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये उस पर है ना, तो बीच भी यहाँ पे देखने को मिलता पता है। ठीक, मैंग्रोव ईश्वरी बीच इन कोरल लीफ बोल दिया, कोरल लीफ भाई इसमें नहीं होता है, सुंदरबन वाइस का रिजर्व गलत हो जाएगा। ये लार्जेस्ट एरिया की रामसर साइट है याद रखना, लार्जेस्ट एरिया की रामसर साइट ये है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों इसमें ड्रेन होती है। गुल्फ ऑफ मन्नार वाइस का रिजर्व ये मैंने नीचे देखा था, हाँ तो इसमें हमने एक तो डुबोंग वाला एनिमल देखा था और क्या देखा हमने इसमें, गुल्फ ऑफ मन्नार वाला इसमें हमने वो देखा था। गुल्फ ऑफ मन्नार में बीचेस पाए जाएंगे, बीचेस पाए जाएंगे, मैंग्रोव पाए जाएंगे हाँ क्योंकि वो साइड में ही है, बीच वाले एरिया में मैंग्रोव पाए जाते हैं। फिर शार्ट मार्शेस ये भी देखने को मिल सकता है, शार्ट मार्शेस ओसिंग की पोस्ट पे शार्ट मार्शेस देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या जाएगा, गुल्फ ऑफ मन्नार आ जाएगा है ना। क्यों जाएगा गुल्फ ऑफ मन्नार, क्योंकि नीलगिरी वाइस रिजर्व तो आपको पता है तमिलनाडु वाले एरिया में है ना, और वहां पे मैंग्रोव बीच कुछ नहीं हो सकता, तो इसे आप काट ही सकते हो। गंगा देवी वाइस रिजर्व पहाड़ी एरिया है, मैंग्रोव बीच नहीं हो सकते, ये भी काट सकते हो। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन था, अच्छा यहाँ पे कोरल रीफ नहीं होगा है ना, यहाँ पे कोरल रीफ नहीं होगा, यहीं पे होगा सर। देखो गुलबा बना इतना लंबा एरिया इसने कवर कर रखा है अक्रॉस श्रीलंका, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन ऑफ मैरान बायोडायवर्सिटी रिजर्व, इट कंप्राइजेस 21 आइलैंड, ईश्वरी बीचेस फॉरेस्ट ऑफ निशोर एनवायरमेंट। सी ग्रासेस कोरल रीफ शार्क मार्शेस मैंग्रोव, तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। गुल्फ 3600 प्लांट एनिमल स्पीशीज इंडेंजर्ड सीका और डुगोंग, डुगोंग भी यहीं पाया जाता है ना। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाइस रिजर्व इंक्लूडिंग स्टार्टिंग ऑफ अंजिंग ऑफ गुल्फ ऑफ मन्नार वाइस रिजर्व, ये भी आप याद रखनी है कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ये इसे रुपया भी दे रही है, गुल्फ ऑफ मन्नार वाइस रिजर्व को रुपया भी दे रही है। ये मैरान नेशनल पार्क भी है, फर्स्ट मैरान वाइस रिजर्व ऑफ इंडिया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूएनडीपी की फंडिंग से बना था, यूएनडीपी और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन तीनों ने इसे मिलकर बनाया था है ना। देख सकते हो कोरल रीफ वगैरह सब कुछ इसमें पाया जाता है। लोकल कम्युनिटी में इसमें इन्वॉल्व होती है, कंजर्वेशन करने में लोकल कम्युनिटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब ये देख सकते हो पूछा है इन बीच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने नेशनल हैबिटेट में कहां पाई जाती है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल नेचुरल हैबिटेट में बताना है, इसमें बताना है नेचुरल हैबिटेट, इसका नेचुरल हैबिटेट कहां होता है, तो इसका नेचुरल हैबिटेट है वेस्टर्न घाट। ठीक, और कहां मिल जाएगी, ये नॉर्थ ईस्ट के हिमालय में भी मिल जाएगी,
सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक, पंजाब वगैरह एरिया, राजस्थान वाला एरिया पूछ रहा है, इधर तो नहीं होगा भाई। हाइयर हिमालय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट वाले हिमालय में पाई जा सकती है, जम्मू कश्मीर वाले हिमालय में नहीं, गलत। साल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात, बिल्कुल नहीं, तो वेस्टर्न घाट में पाई जा सकती है। अगर ऑप्शन होता नॉर्थ ईस्ट के हिमालय तो भी ये राइट होता है ना। तो ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल हो गया, इस तरह से दिखती है, बल लेवल किसी से भी, ये भी तो हमें पता है कि बल लेवल किसी से। अब क्या पूछ रहा है, ड्यू टू सम रीजन से देख लेते ह्यूज पॉपुलेशन इन द ईच फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी इट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर मान लीजिए बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है, ड्रास्टिक डिक्रीज आ जाता है यहाँ पे, एक होता है डिक्रीज और एक होता है ड्रास्टिक डिक्रीज, बहुत ज्यादा डिक्रीज आ गया, तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इकोसिस्टम पर। तो पहला बोल रहा है पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, एडवर्सली तो बिल्कुल पॉलिनेशन ऑफ प्लांट जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। There could be a drastic increase in the fungal infection of some cultivated plants. कुछ cultivated plants में fungal infection भी बढ़ सकता है, तो ये वही wrong जाएगा, है ना? ये भी जाएगा wrong। Fungal infection बढ़ सकता है, ऐसा नहीं होगा, butterfly की population कम हो गई तो fungal infection बढ़ सकता है, ये गलत हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ड्रास्टिक इंक्रीज बोल दिया तो ये गलत है। अच्छा बटरफ्लाई क्या है, एक डेट्राइटिबोरस है, ये हमें पता है, दे आर डेट्राइटिबोरस, इट वुड लाइक टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ बास स्पाइडर एंड बर्ड, हाँ ये ठीक है। अच्छा स्पाइडर फिर से आया तो बता देता हूँ, स्पाइडर ओनली फाउंड इन इंडिया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। सो ऐसा हो सकता है कि बर्ड्स की पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए, स्पाइडर्स की पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए, क्योंकि स्पाइडर्स या बर्ड्स किसे खाते हैं, ज्यादातर बटरफ्लाई भी खाते हैं, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, बटरफ्लाई की पॉपुलेशन रिड्यूस होगी तो बर्ड्स की पॉपुलेशन, स्पाइडर्स की और वास्प की, इनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है। तो एक क्वेश्चन और भी आ चुका है स्पाइडर पे, क्या क्वेश्चन पूछा था उसने, वो देख लेते हैं पीछे, अभी हमने देखा स्पाइडर का क्वेश्चन, ठीक है। स्पाइडर बढ़िया वाला क्वेश्चन था, डैम्स वाला पूछा, नेचुरली फाउंड पूछा, नेचुरली फाउंड इन इंडिया, इसमें नहीं है स्पाइडर, ये भी नहीं है, सी लायन देख रहे थे, सॉरी स्पाइडर, हाँ स्पाइडर पूछा गया था एक बार, देखते हैं चंबल पर भीतर बढ़ने का लोग, ये नहीं है स्वयं बढ़िया वाला नहीं है क्वेश्चन, स्पाइडर चंबल डियर वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ये भी नहीं है, ये भी नहीं, अच्छा यहाँ पूछा गया था, अच्छा ये था स्पाइडर, इसका एक ऑप्शन था है ना, तो ये फंगी कल्टीवेट करता है क्या स्पाइडर, ये पूछा गया था एक बार, ये हो जाएगा रॉन्ग,
है ना, कि फंगी वर्टिब्रेट नहीं करता इस पैटर्न, ये भी याद रखना है ना। ऑप्शंस जो भी हो, किसी क्वेश्चन में जो ऑप्शन आ रहे हो उन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। ये हो गया था क्वेश्चन, कर लिया था ना, ये भी हो गया था, ये वाले देख रहे थे। सो स्पाइडर्स जो फंगे खाते नहीं है, खाते क्या है ये, ये वही चीज खाते हैं जिसकी डिक्लाइन हो रही है, बटरफ्लाई इंसेक्ट वगैरह ये स्पाइडर्स खाते हैं, बटरफ्लाई इटर होते हैं। सो बटरफ्लाई की पॉपुलेशन अगर रिड्यूस हो गई तो स्पाइडर बास बर्ड्स ये भी इनकी पॉपुलेशन में डिस्ट्रॉय है, ये ठीक है और ये गलत है, ये ठीक है। तो वन एंड थ्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वन एंड थ्री है ना। हाँ फिर ये क्वेश्चन पूछा देखो, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन हमें देखने पड़ेगा। बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, सबसे ज्यादा बटरफ्लाइज कहाँ है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में है। रीजन दिया है बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर्स, क्यों है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में इक्वेटर के पास में यहाँ पे सनरेज गर्म भी पड़ती है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, लो टेम्परेचर यहाँ पे होता नहीं है और लो टेम्परेचर को बटरफ्लाई टॉलरेट नहीं कर सकती, इसीलिए ट्रॉपिकल कंट्रीज में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बटरफ्लाई सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगी, ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगी। हाँ और क्यों देखने को मिलेंगी, क्योंकि लो टेम्परेचर या कोई ठंडा टेम्परेचर पे या उनको नहीं मिल पाती है ना, इसलिए आपने जब देखा होगा सबसे ज्यादा बर्ड्स में वो टेरेस्ट्रियल में या बहुत ही नीचे वाले एल्टीट्यूड पे लाई करती है, ज्यादातर बर्ड्स नीचे वाले एल्टीट्यूड पे ही लाई करेंगी, बहुत कम बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे कि पेंटेड स्टॉक हो गई या फिर ब्लैक नेट क्रेन। ब्लैक नेट क्रेन एक ऐसी अकेली बर्ड है, एक ऐसी अकेली स्पेसीज है बर्ड की जो कि अल्पाइन एनवायरमेंट में आपको देखने को मिलती है, बाकी ज्यादातर बर्ड्स जो है वो आपको नीचे ही देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर बटरफ्लाई है नहीं, तो बटरफ्लाई है नहीं तो फिर वो खाएंगे क्या, है ना, तो बर्ड्स वहां पे ज्यादातर मर जाती है हाई एल्टीट्यूड पे, इसलिए ब्लैक नेट क्रेन क्या थी, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी, यही वजह थी उसकी, क्योंकि वहां पे बटरफ्लाईज नहीं मिलती, बटरफ्लाईज हमेशा लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, वो हाई टेम्परेचर जहां पे उन्हें मिलता है वहां पे बटरफ्लाईज आपको देखने को मिल जाएंगी। सो दीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, बटरफ्लाईज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है। सो दिस इज assumption and reason। फिर आपसे पूछा है कि बताइए अभी किसी ने रिसेंटली किस स्टेट ने स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करी है, तो स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करी है वो महाराष्ट्र ने करी है, एंड ब्लू मॉर्गन इन्होंने जो बटरफ्लाई है वो स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दी, ब्लू मॉर्गन। ये फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया ब्लू मॉर्गन इन्होंने बटरफ्लाई जो है स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दिए, सबसे पहले इन्होंने करी, फिर ये कुतिया पर सबने शुरू करा, सारी स्टेट में बटरफ्लाई डिक्लेयर करी, और हमें अब एक एक बटरफ्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना नहीं कर सकते है ना, हर एक स्टेट की बटरफ्लाई कर लेके बैठे तो इतना नहीं हो पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, एम स्ट्राइक्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज कंटेस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे आपको एक चीज होती है ना, क्या करना होता है, वर्ल्ड एसोसिएशन करना होता है। हाँ वर्ल्ड एसोसिएशन मतलब ऑप्शन से आप मिलाओ वर्ल्ड को, किससे मिल सकता है, दिमाग लगाओ, लॉजिकल बेसिस करो, तो लॉजिकल गेसिंग के हिसाब से स्ट्राइक्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, टाइगर, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू टाइगर। कैप्टिवेटिंग फाइल होना नहीं, इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नहीं, नेशनल हाईवे वाला सिस्टम नहीं,
टाइगर रिजर्व, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। कौन से अथॉरिटी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन बॉर्ड, कहां पे? डब्ल्यूटीए एक्ट के थ्रू 2006 में अमेंडमेंट करके, 2006 में अमेंडमेंट करके ये जो बॉडी थी बनाई गई थी एनटीसीए, और एनटीसीए के द्वारा ही ये लाया गया था एमएसआईएस वाला प्रोग्राम। किसके लिए था? सेंसस कैलकुलेशन के लिए होगा, नहीं एंड्रॉइड बेस्ड मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर था ये एमएसआईएस, है ना, मॉनिटरिंग करने के लिए। जितने भी टाइगर रिजर्व है वहां पे एंड्रॉइड सिस्टम लगाया था और मॉनिटर करने के लिए एमएसआई प्रोग्राम को लॉन्च किया था। सॉफ्टवेयर था ये एमएसआईएस, है ना, इट वॉज अ सॉफ्टवेयर। देन वी हैव कंसीडर फॉलोइंग एसआईडी लाइन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, इज अ ट्रू स्टेटमेंट, पूरी तरीके से ट्रू है ना। एसआईडी लाइन हमने कहां देखा था? गुजरात में, रेड से लिखा यानी कि ये इंडेंजर्ड है, नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, दिस इज राइट, नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अच्छा, ये अफ्रीका लाइन से थोड़ा सा बिगर होगा, है ना, अफ्रीका लाइन जो होते हैं वो इससे स्मॉलर होते हैं, अपने एशिया के लाइन बहुत कड़े होते हैं, ये भी हरा देंगे अफ्रीका वालों को, हरा देंगे। जो भारत माँ का शेर है ना, तो भारत माँ के मतलब पीछे खड़ा होता है, आपने देखा होगा इमेज में, भारत माँ की जैसे इमेज देखोगे वहां पे एक शेर कट मिलेगा आपको, है ना, तो वो शेर क्या है? एशियाटिक लाइन है, और हमारा जो एशिया का लाइन है वो सिर्फ एशिया इंडिया में ही पाया जाता है, इसलिए भारत माँ के पीछे वो शेर लगा होता है, तो इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ये इंडिया में ही पाया जाएगा ऐसा शेर, है ना, और वो अफ्रीका वाले शेर से बहुत ही बड़ा होता है, सब हर चीज उसकी मतलब ज्यादातर बॉडी वगैरह लेंथ वगैरह हर चीज उसमें अव्वल है, एशियाटिक लाइन। एंड दिस इज फॉर्म्ड इन ओनली गिर नेशनल पार्क, और उसका मुंह आप देखोगे कहां निकलेगा? गुजरात वाले साइड में, अगर आप देखो भारत माता जो फोटो लगा होता है उसमें गुजरात वाले साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा उसका मतलब मुंह, है ना, तो गुजरात में ही ये पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क में ये क्या है? एंडेमिक है, और कहीं आपको देखने को ये नहीं मिलेगा। सो इस तरह से आप भारत माँ वाली इमेज वाले से उससे आप रिलेट कर सकते हो, है ना, रिलेट टू भारत माँ इमेज। So this is asiatic lion. Double humped camel is naturally found in India only. नहीं भाई, double humped camel हमने कहाँ देखा? कभी देखा? Double humped camel नहीं, ये पाया था मंगोलियन डेजर्ट में। कहाँ देखने को मिलेगा? मंगोलिया वाले डेजर्ट में, या फिर सेंट्रल एशियन स्टेप में देखने को मिल जाएगा, है ना, सेंट्रल एशियन स्टेप वहां ही आपको देखने को मिलेगा, इंडिया में नहीं है। ओनली की तो बात छोड़ो, इंडिया में नेचुरली फाउंड होता ही नहीं। वन एंड ब्रांडो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, सो इट इज नॉट ट्रू। हाँ, नेचुरली फाउंड है लेकिन सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं, और भी जगहों पे पाया जाता है, जैसे नेपाल में, भूटान में, चाइना में, इन सब जगहों पर भी पाया जाएगा। सो दिस इज नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो हमारे कौन सा एक ही आंसर सही है? एशियाटिक लाइन वाला, एशियाटिक लाइन सिर्फ इंडिया में ही पाया जाएगा, और वन एंड राइनो और डबल हंड कैमल जो है बाहर पाए जाते हैं। डबल हंड कैमल अभी दिखा, अच्छा पहले दिखा दिया था मैंने कैसा होता है डबल हंड कैमल। सो दिस इज, अच्छा ये उससे रिलेटेड है, लाइन से रिलेटेड, गुजरात से हटा कर के उन्हें कहां पर रखा गया? नेचुरल हैबिटेट जो गुजरात में थी उनकी, उसे हटा के कहां पे रखा गया? पुनः पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों रखा गया? क्योंकि एक ही जगह पे अगर कोई चीज मान लो कंसंट्रेटेड है, ये गिर नेशनल पार्क में पाया जा रहा है एशियाटिक लाइन मान लो, तो अगर यहाँ पे कोई मान लो नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो कुछ भी हो जाता है, तो हो सकता है यहाँ पे दिक्कत हो जाए, इसी वजह से हम एक जगह और कहीं पे उन्हें कंसंट्रेटेड करके रखते हैं, कि अगर यहाँ की कुछ भी दिक्कत हुई पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ जाए तो कम से कम यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइन जो है वो बचने चाहिए, है ना। सो पुनः पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर पुनः पालपुर में चीता भी रिप्रोड्यूस करेगा, पुनः पालपुर में एशियाटिक लाइन भी रिप्रोड्यूस करेगा, क्यों करेगा? यहाँ पे समाना ग्रासलैंड ज्यादा मिल जाता है, ग्रासलैंड वाला एरिया पुनः पालपुर में मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ये देखो, अच्छा इसमें डिजीज भी हो जाती है एनिमल्स, इनके साथ कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस
ये किससे रिलेटेड है? एनिमल से, डेविओसिस। ये डाउन टू अर्थ वाले से बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, तो डाउन टू अर्थ वाले मैगजीन को भी पढ़ना चाहिए। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस किससे रिलेटेड है? सो दिस इज रिलेटेड टू लाइन्स, लाइन के कैनाइंस होते हैं उसी से रिलेटेड है डेविओसिस, ये भी लाइन वाली डिसीज है। हाँ ये पूछा विच इज नॉट अ बर्ड, गोल्डन मार्शी, ये तो हमने कर लिया ना, अभी फिर से आगे चलो। कोई नहीं, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा है ये देखो वाइल्ड लाइफ दे रखी है और नेचुरली फाउंड, कहाँ पे नेचुरली फाउंड होता है? ब्लू फिन महाशी, ब्लू फिन महाशी को हम वो भी कहते हैं डेक्कन महाशी भी कहते हैं, और ये कावेरी रिवर में पाए जाते हैं, ठीक है, डेक्कन महाशी जिसे बोलते हैं, एंड दिस इज फाउंड इन कावेरी रिवर, सो दिस इज राइट। इरावटी डॉल्फिन बोला है चंबल रिवर में, इरावटी डॉल्फिन क्या है? इरावटी डॉल्फिन चंबल रिवर, इरावटी डॉल्फिन क्या पूछ रहा है? चंबल रिवर। तो ये इरावटी डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ आपको कहां देखने को मिलेगी? इरावटी डॉल्फिन, ये आपको चिलिका लेक में देखने को मिलेगी, है ना, चिलिका लेक। और इंडिया में ओनली साल्ट वाटर डॉल्फिन है, साल्ट वाटर डॉल्फिन है तो चंबल रिवर में तो ये हो नहीं सकती है। चंबल रिवर कैसी है? फ्रेश वाटर है, तो ये चंबल रिवर में नहीं हो सकती, तो दिस इज रॉन्ग। रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट, ये ठीक है ना, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में पाई जाती है। सो अब हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फिर ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये गलत है। हमारा आंसर सही हो गया 1 और 3 होने, अरे इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रस्टी स्पॉटेड कैट पे, रस्टी स्पॉटेड कैट, इसे मैं एक बार देखेंगे ना, रस्टी स्पॉटेड कैट देखेंगे। ये वाला ठीक है, रस्सी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में पाई जाती है ना, इसे अल्पाइन एनवायरनमेंट पसंद है, और ये डब्ल्यूपीए वन में है, कहाँ पे है?
डब्ल्यू पी एच बन गए। ये वाला देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन, हम्प बैक महाशीर के बारे में पूछता है। हम्प बैक महाशीर, सो इट इज अ फ्रेश वाटर रीफ एंड फिश, फ्रेश वाटर स्पीसीज है, रिफर्ड इज टाइगर ऑफ वाटर, हाँ टाइगर ऑफ वाटर तो है, शीर से शेर हो जाएगा, महा से मछली, मछलियों का टाइगर तो है, ठीक है, ओनली इन कावेरी रिवर बेसिन, हाँ ये भी ठीक है, यहाँ पर बैक महाशीर कह लो, ब्लू फिन महाशीर कह लो, डेक्कन फिन महाशीर कह लो, ऑरेंज फिन महाशीर कह लो, ये सब कावेरी रिवर बेसिन में ही पाई जाती है, है ना, कहाँ पाई जाती है, कहाँ में पाई जाती है, ये कावेरी रिवर बेसिन में पाई जाती है, तो हम तो बैग माछी भी वहीं पाई जाती है, इट इज ए सीज ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर है या नहीं ये देख लेते हैं एक बार, हाँ ये फ्रेश वाटर स्पीसीज है हम तो बैग, बिल्कुल भाई कावेरी में पाई जा रही है तो वो फ्रेश वाटर ही होगी, है ना, और टाइगर ऑफ वाटर को ये है, तो हम तो बैग माछी भी हमने देखी, तो फॉलिंग आर द मोस्ट लाइकली टू प्लेस फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, मस्क डियर देगा नॉकटर्नल डियर है, अल्पाइन एनवायरमेंट में देखने को मिल जाएगा, कहां कहां पे, उत्तराखंड में मस्क डियर, उत्तराखंड में पहले देखने को मिलेगा, अरुणाचल सिक्किम ये सब, उत्तराखंड का क्या है ये स्टेट एनिमल है, और कौन सी कंट्रीज में पाया जाता है मस्क डियर जो है, और कौन सी कंट्रीज में पाया जाता है, सो दिस इज लाइक चाइना, भूटान, नेपाल, आसपास के पाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नॉकटर्नल स्पीसीज है, स्टेट एनिमल भी बता दिया मैंने, अल्पाइन एनवायरमेंट 2600 मीटर प्लस में भी ये पाया जा सकता है, सो अब आपसे पूछा है बताओ नेचुरल हैबिटेट मतलब अल्पाइन एनवायरमेंट ढूंढना है, मैंने तुम्हें बताइए 200 मीटर से 300 मीटर तक इसका एलिवेशन है, कोई एलिवेशन है नहीं इसका, तो मना सटा है, किशन को हमें पता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई माउंटेन है नहीं नीचे की तरफ, इसे हटा दो, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता कहां पड़ती है, जैसे ये आ रही है शारदा रिवर, यहां पे क्या है दुधमा, यहां पे आ रही है घाघरा, ये कौन सी है घाघरा, जैसे रिवर घाघरा, जैसे शारदा, ये है दुधमा, इधर पड़ती है किशनपुर, ये पड़ती है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे पता है क्या पता है, यहाँ पता कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर नहीं होगा, गंगोत्री हो सकता है ना, गंगोत्री का एलिवेशन अच्छा खासा है, तो गंगोत्री कैन बी, और अच्छा गंगोत्री उत्तराखंड में भी है तो इसलिए हो सकता है, आसपास भी उत्तराखंड में, ये भी हो सकता है, वन एंड टू आर द राइट आंसर, अब आपको जगह पता थी, ये पता था मसडिये कहाँ का स्टेट एनिमल है, उत्तराखंड का है, अल्पाइन एनवायरमेंट पाया जाता है, एंड उत्तराखंड में ये दोनों नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने इस तरह से हिसाब लगा लिया, बस ये देखो मस्कडियर, इस पे कोई भी सींग नहीं होता, मस्कडियर पे कोई भी सींग आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये वैम्पायर जैसे दांत आपको देखने को मिल जाएंगे, वैम्पायर लाइक टीथ, इसलिए वैम्पायर भी कहते हैं इसे, वैम्पायर लाइक टीथ, इसे और क्या कहते हैं, इसे रेड डियर नाम से भी जानते हैं, रेड रेड होता है थोड़ा सा रेड डियर, और ये एल्ड डियर नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एल्ड डियर
जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जहां पर भी अल्पाइन एनवायरमेंट देखने को मिलेगा, हिमालय जहां पर देखने को मिलेंगे वहीं पे पाया जाएगा। अच्छा, इंडिया में ही सिर्फ पाया जाएगा, एंडेमिक है? एंडेमिक नहीं, दिस इज नॉट एंडेमिक, है ना, एंडेमिक नहीं है, साइबेरिया में तक पाया जाना है, इसे साइबेरियन मस्कटियर भी कहते हैं, ठीक, इसे कहते हैं साइबेरियन मस्कटियर भी कहते हैं। एक बार पूछा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके एनिमल की कंजर्वेशन के लिए बनाई गई, तो देखो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुमने हिसाब लगा लिया कि कहाँ होगी, उत्तराखंड, हाँ? अच्छा उत्तराखंड में होगी, तो किसके कंजर्वेशन के लिए बनाई जाएगी, हिमालय मस्क डियर, अगर मस्क डियर ही उत्तराखंड का क्या है, स्टेट एनिमल है, तो इस तरह से हम पकड़ते हैं चीजों को, ठीक। ये रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो देख लिया था ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लिया, तो इसको देख लो, इसको हम देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे। सबसे पहले आता है साइबेरियन मस्कडी, साइबेरियन मस्कडी, इसका पहले फोटो देखें, फोटो कहीं और देख लेंगे, ये आ रहा है साइबेरियन मस्कडी, ठीक, दिस इज साइबेरियन मस्कडी, रेड से लिखा है इसलिए ये क्या है, ये है इंडेंजर्ड, है ना, ये है इंडेंजर्ड, नॉक्टर्नल है क्या ये, दिस इज नॉक्टर्नल, यस, मोस्टली एक्टिव हॉस्पिटल डाउन, क्या ये एंडेमिक है, मस्कडी का एंडेमिक है, नहीं, साइबेरियन मस्कडियर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइबेरियन, तो पता चल रहा है साइबेरियन में भी पाया जाएगा, तो ये एंडेमिक तो नहीं है, नो, कहाँ कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, चाइना, भूटान, ये सब जगह पाया जाता है, ये नेचुरली फाउंड है इंडिया में, साइबेरियन मस्कडियर इसका नाम है, पूछा जा रहा है नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये बिल्कुल नेचुरली फाउंड इन इंडिया है, यस इट इज ट्रू, क्योंकि अल्पाइन एनवायरमेंट पसंद है, अल्पाइन एनवायरमेंट हमारे यहाँ है, तो इसी वजह से ये राइट हो जाएगा, यस दिस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया। फिर क्या बोला, ये स्टेट एनिमल कहां का है, तो ये है स्टेट एनिमल उत्तराखंड का, ये स्टेट एनिमल है, कहां कहां पाया जाता है, उत्तराखंड का क्या है, ये स्टेट एनिमल है, कौन सा साइबेरियन मस्कडी है, उत्तराखंड का क्या है, ये स्टेट एनिमल है, साइबेरियन मस्कडी है, कौन कौन सी सेंचुरी में, गंगोत्री नेशनल पार्क, आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब जगहों पे ये पाया जाता है ना, उत्तराखंड का क्या है, ये स्टेट एनिमल है, कौन कौन सी सेंचुरी में, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये गंगोत्री नेशनल पार्क में ये पाया जाता है, पाया तो ये जम्मू कश्मीर में भी पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाएगा, हर जगह पाया जाएगा, ठीक, ये हो गया स्टेट एनिमल, हैबिटेट मैंने बता दिया, 2500 मीटर प्लस, नेपाल भूटान सब जगह ये देखने को मिल जाएगा, ट्रॉपिक लेवल क्या है, हार्मी बोरस, क्या खाता है, लाइकेंस, अच्छा लाइकेंस और मॉसेस भी खाता है, क्योंकि अल्पाइन एनवायरमेंट रहता है, वहां पे ज्यादातर टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगा, टुंड्रा वेजिटेशन में खाने को क्या मिलता है, लाइकेंस मॉसेस, सो दिस इज लाइकेंस, WPA वन में और CITP वन में, क्योंकि इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड वाले सभी स्पीसीज WPA वन में आते हैं और साइटीज वन में आते हैं, बहुत कम डियर है जो WPA साइटीज में ना आते हैं, बाकी सभी तक आते हैं, मतलब है ना, फिर एनी अदर थिंग कोई चीज, अच्छा बारीक तरह लगता है, ठीक, अब आते हैं संगाई डियर, संगाई डियर भी रेड लिखा हुआ है, इंडेंजर्ड है, क्या है ये, इंडेंजर्ड, ठीक है, ये है इंडेंजर्ड संघाई डियर, संघाई डियर, इसे हम मणिपुर ब्रो एंटेल डियर भी कहते हैं, संघाई डियर को और क्या कहते हैं, मणिपुर ब्रो एंटेल डियर, सो संघाई डियर सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाएगा, मणिपुर में ही आपको देखने को मिलेगा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, WPA1 साइटीज वन,
संगाई डियर इज नॉट नॉक्टर्नल, दिस इज डायग्नल स्पेसीज। और संगाई डियर के बारे में क्या है, सिर्फ उसे मणिपुर केबल आमजा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये कैसा मतलब हैबिटेट क्या ऐसा है, तो फ्लोटिंग ग्रास लैंड या फुमटिस वाला वेजिटेशन, मार्शी एरिया है ना, मार्शी ब्रैकिश वाटर ग्रास लैंड, मार्शी ग्रास लैंड उसमें ये पाया जाता है। फ्लोटिंग ग्रास लैंड कह दो, फुमटिस वेजिटेशन कह दो, इन सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा ये सांबर सॉरी संगाई डियर। सो नॉक्टर्नल ये नहीं है, दिस इज नॉट नॉक्टर्नल। एंडेमिक है क्या, हाँ ये एंडेमिक है, दिस इज एंडेमिक टू मणिपुर। नेचुरली फाउंड, यस ओनली ये फाउंड इन मणिपुर, और कहीं नहीं पाया जाता। स्टेट एनिमल कहाँ का है, ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भाई है ना, केवल नेशनल पार्क मार्सी ग्रास लैंड और लोकल लेक में पाया जाता। हैबिटेट वही हो गया फुमटिस, फुमटिस वेजिटेशन, मार्शी ग्रासलैंड्स, फ्रेश वाटर, वाटर से कैसे चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए भाई। लोकटक लेक का वाटर कैसा है, फ्रेश है। हर्बी बोर है, ये वाटर लिविंग प्लांट्स हर्बेसियस प्लांट्स है, इसका आता है हर्बी बोर। तो कोई भी डियर होगा सब हर्बी बोर ही होंगे, तो ये भी हर्बी बोर है। WPA1 और साइटिस वन, इसे हम डांसिंग डियर भी कहते हैं, संगाई डियर को। डांसिंग डियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो नीचे वाला एरिया है वही डांस कर रहा है ना। इट फाउंड ऑन द फ्लोटिंग ग्रास लैंड, फ्लोटिंग ग्रास लैंड पे ये पाया जा रहा है, तो इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये डांस कर रहा है, मतलब थोड़ा सा रपकता रहता है वो एरिया जो है। सो दिस इज लाइक फ्लोटिंग ग्रास लैंड पाया जाता है, जिसके हम डांसिंग डियर भी कहेंगे। ठीक है, संग्रह क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डांसिंग डियर, डांसिंग डियर। अब आता है स्वैम्प डियर, ये बारहसिंगा, ये वल्नरेबल है। WPA1 साइटिस वन में पाया जाता है, नेचुरली फाउंड इन इंडिया है, लेकिन ओनली नहीं, मतलब बाहर भी ये एरिया में कुछ पाया जाता है स्वैम्प डियर। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का क्या गया है, ये स्टेट एनिमल है, और मध्य प्रदेश में कुल्लू नेशनल पार्क में ये पाया जाता है, उसका मैस्कॉट भी है ये कुल्लू नेशनल पार्क का। देखो सिंग इसके एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सिंह होते हैं इसमें, इसलिए इसे हम बोलते हैं स्वैम्प डियर बारह सिंगा, बारह सिंगा भी इसे बोला जाता है। सो दिस इज नॉक्टर्नल, नो दिस इज नॉट नॉक्टर्नल, दिस इज डायर्नल। एंडेमिक है क्या, ये एंडेमिक भी नहीं है ना, आल्सो फाउंड इन नेपाल। नेचुरली फाउंड हाँ है, लेकिन ओनली नेचुरली फाउंड इन इंडिया वाला इसका साथ नहीं है। फिर बोले स्टेट एनिमल कहाँ का है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, कोलो में, काना में, ठीक है, दुधवा में, काजीरंगा में, सब में ये जो है स्वैम्प डियर पाया जाता है। फिर इसके हैबिटेट क्या है, वही मार्शी स्वैम्प ग्रासलैंड में पाया जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस ही खाता है, ग्रैमिनिवोरस है, एक्सक्लूसिवली ग्रैमिनिवोरस, ये और कुछ खाता ही नहीं है, मतलब प्लांट्स ही नहीं खाता है। सो दिस इज एक्सक्लूसिवली ग्रैमिनिवोरस। और क्योंकि कुनोपालपुर नेशनल पार्क में, जो काना नेशनल पार्क है सॉरी, वहां पे आपको इस तरह का एनवायरमेंट मिल जाएगा, सवाना ग्रासलैंड मिल जाएंगे, इसलिए वहां पे इसे भेज दिया जाएगा। देन WPA1 साइटिस वन भाई, और 19 स्वैम्प डियर अभी बांधवगढ़ में ट्रांसफर करेगा, काना से लेके बांधवगढ़ में मध्य प्रदेश में फेंक दिए गए। फिर आएगा सांबर डियर, सांबर डियर इसका कलर भी सांबर जैसा लगा है, और इसका हम सांबर बना के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि WPA3 में आता है, ज्यादा पेनाल्टी बढ़ती नहीं है इसे मारने से। और दूसरी बात यह है कि दिस इज नॉट इन साइटिस, साइटिस में ये नहीं आता है, ओनली इन WPA3 जैसे सांबर डी। और क्या चीज है, नॉक्टर्नल है क्या सांबर डी, हाँ सांबर डी इज नॉक्टर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मोस्टली एक्टिव ग्रास स्टिल डाउन। फिर पूछा है एंडेमिक है क्या भाई, सांबर डियर, ये सांबर डियर एंडेमिक नहीं है, ये और भी जगह पाया जाता है सांबर डियर। ऑल्सो फाइंड इन चाइना, नेचुरली फाउंड है लेकिन चाइना साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, इसलिए एंडेमिक नहीं है। अच्छा, हमने सांबर डियर नॉक्टर्नल देखा, मस्क डियर नॉक्टर्नल देखा, दो डियर है हमारे पास जो नॉक्टर्नल है।
सामर डियर एंड मस्क डियर। ओडिशा का ये स्टेट एनिमल है सामर डियर जो है, दिस इज स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा। दिशा भी क्या खाती है? सांबर खाती है। तो ओडिशा का ये स्टेट एनिमल है। और तो काना कॉर्बेट रणथंभौर ये इन सब जगहों पे पाया जाता है, बहुत जगह बहुत नेशनल पार्क में पाया जाता है, ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है ना सांबर डियर। ना ही एंडेमिक है ना इसकी कोई कमी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट माउंटेन ग्रासलैंड इन सब में पाया जाता है, ज्यादातर पेनिनसुलर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। हर्बिवोरस तो है, WPA3 में है, साइटिस में है नहीं। सांबर बना के खाओ इसका, क्यों? ज्यादातर टाइगर और एशियाटिक लाइन से खाते हैं, एशियाटिक लाइन के द्वारा भी बहुत खाया जाता है ना। ओडिशा का स्टेट एनिमल है, एशियाटिक लाइन गुजरात में पाया जाता होगा ये सांबर डियर। वल्लभपिल मतलब पूरी पेनिनसुलर इंडिया में ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कौन सांबर डियर। अब बात करते हैं चीतल की, ये एक्सपोर्टेड डियर है ना, ये पिंक से है, चलो पिंक तो है नहीं हमारे पास, से देख लेते। अगर पिंक से लिखा तो समझ जाओ कि क्या है, लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न है चीतल। चीतल के नॉक्टर्नल है, चीतल नॉक्टर्नल नहीं है। चीतल है एक्सपोर्टेड डियर, आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, रामायण से भी ये जुड़ा हुआ है। सो ये WPA3 में है, नॉक्टर्नल ये है नहीं, WPA3 में, साइटिस में भी ये नहीं है। और स्पॉटेड डियर लीस्ट कंसर्न है, मतलब बहुत पाया जाता है ऑल ओवर इंडिया, हर जगह पाया जाएगा स्पॉटेड डियर। स्टेट एनिमल ये तेलंगाना का है ना, तेलंगाना का स्टेट एनिमल है ये। नेटिव इंडिया का बिल्कुल नेटिव है भाई, रामायण में इसकी बात हो रही है, ये नेटिव तो हो गई। और नेपाल भूटान बांग्लादेश आसपास भी पाया जाता है, ठीक है। सभी डियर देखो हर जगह, मतलब ओनली इन इंडिया तो सिर्फ ये शंघाई डियर वाला ही है, बाकी सब क्या है कहीं ना कहीं किसी और देशों में भी पाया जाता है। दो अंदर फॉर्म नेपाल भूटान है, इन सब में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है ये वाला चीतल। ये सीता जी दिखनी इसी को देख के क्या हो गई थी, मोहित हो गई थी। रामायण पढ़ी है तो इसमें आप देखिएगा, चीतल को देख के ही सीता जी क्या हो गई थी, मोहित हो गई थी। सो लाइक दिस तेलंगाना का स्टेट एनिमल है बंदीपुर, हर जगह ये पाया जाए, वाल्मीकि में, दुधवा में, सरिस्का में, सब जगह। ओपन ग्रासलैंड में, डेंस डेसिडुअस सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं। खाते क्या है? हर्बिवोरस है। एक्सक्लूसिवली ग्रैमिनिवोरस कौन है? वो है बारहसिंगा, यह स्वैम्प डियर है, ठीक है। मीट प्लांट शूट टाइगर ग्रासेस, WPA3 एंजाइटीज में है नहीं, ठीक। बस ये हमें पता होना चाहिए। नाउ अच्छा एक और बचा है भाई, ये बचा रेड डियर। रेड डियर कहते हैं इसे कश्मीरी स्टेट कहते हैं। अच्छा हमने ब्लू से लिखा तो समझ लो क्या है, ये प्रैक्टिकली एंडेंजर्ड है। कश्मीरी स्टैग नाम से पता चल रहा है, कश्मीर को पाया जाएगा, एंडेमिक है, नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, है ना। ये एक डियर स्पीसीज है जो कि सिर्फ एंडेमिक हो चुकी है। और कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है कश्मीरी स्टैग? ये कौन से नेशनल पार्क में पाई जाएगी? ये दच्चीगम नेशनल पार्क में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ दच्चीगम में, है ना, जम्मू कश्मीर के दच्चीगम में। स्टेट एनिमल ये कहाँ का है? सो स्टेट एनिमल ये जम्मू कश्मीर का ही है, जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है। सबसे पहले देखेंगे नॉर्टर्नल तो ये नहीं है, यस एंड दिस इज एंडमिक ऑल्सो। एंडमिक संगाइडिया देखी, एक कश्मीरी स्टेट, दो हमने एंडमिक देखी, नेशनल फॉनी ने दिया। स्टेट एनिमल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में दच्चीगम नेशनल पार्क में पाया जाता है, डेंस रिवर एंड फॉरेस्ट में पाया जाएगा, हाई वैली माउंटेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश, मतलब ये हाईली अल्पाइन एनवायरमेंट में ये भी पाया जाता है, हाईली अल्पाइन एनवायरमेंट। थोड़ा सा ये हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ एरिया में भी ये पाया जाता है। अरबी बोरस है, WPA1 CIT1 एंड दिस इज आल्सो वन रेड। अच्छा रेड ये कश्मीरी स्टेट को कहते हैं, ठीक है, इसको नहीं कहते रेड, है ना। मस्क डियर को रेड डियर नहीं कहेंगे, कश्मीरी स्टेक को कहते हैं। सो ये हमने सारे डियर स्पीसीज देखी और ये बहुत पूछी जाती है, इनका बहुत क्वेश्चन आता है इसमें, है ना। फोटो भी देख लेते हैं एक बार, दूर करके
ये देखो मस्कडी है, दिस इज मस्कडी है, दिस इज वॉट संघाई डियर, संघाई डियर एंडेमिक है और संघाई डियर नॉक्टर्नल नहीं है, मस्कडियर एंडेमिक नहीं है नॉक्टर्नल है, बारह सिंगा या स्वर्ण डियर नॉक्टर्नल नहीं है एंडेमिक नहीं है। ये कौन सा आ गया सांबर डियर, सांबर डियर नॉक्टर्नल है एंड दिस इज नॉट एंडेमिक। स्पॉटेड डियर तुम बताइए एंडेमिक नहीं है, नेचुरली फाउंड है, नेपाल भूटान वगैरह आसपास में ही पाया जाता है, सो दिस इज लाइक लीस्ट कंसर्न। कश्मीरी स्टैंक रेड डियर, ये क्या हुआ कश्मीरी स्टैंक, ब्लू से लिखा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ब्लू से लिखा है इसका मतलब क्या है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर ये नॉक्टर्नल नहीं है लेकिन ये एंडेमिक है, एंडेमिक कहाँ है कश्मीर। ठीक, इसी हमने देखी डियर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, हमने डियर को एक बार सही से देख लिया भाई, अब क्या बोल रहा है हमसे, अब बोला इंडियन एलिफेंट्स के बारे में कुछ बताओ, इसके बारे में कुछ बताओ, इंडियन एलिफेंट्स के बारे में कुछ हमें बताओ, बोला मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 5 मंथ्स, ये ठीक है, लीडर ऑफ एन एलिफेंट फीमेल, यस देयर मैट्रियार्क, एलिफेंट क्या होते हैं मैट्रियार्क होते हैं, मैट्रियार्कल सोसाइटी यहाँ पे देखने को मिलती है, लीडर कौन होगा हमेशा एक वुमेन होगी, देन एन एलिफेंट नॉर्मली कौन कॉलोनी चल रहा है जो 40 ईयर्स ओनली, ऐसा नहीं है ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आगे भी 52 ईयर्स या 65 ईयर्स के साल तक की ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Among the states in India, highest elephant population is Kerala. Kerala में नहीं, कर्नाटक में सबसे पहली population है, second number पे Kerala में आपको देखने को मिल जाएगी, so this is also wrong. तो एक ही इसका आंसर मुझे ठीक लग रहा है and that is 1 and 2, है ना, leader of elephant group is female. Elephant में जो leader होते हैं वो matriarchal society को अपनाते हैं, तो इसलिए ये वाला ठीक है और ये वाला भी ठीक है। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड विल बी 22 मंथ्स, जेस्टेशन पीरियड मतलब रिप्रोडक्शन वाला जो जितना भी प्रेगनेंसी वाला मंथ है वो, तो 1 and 2 इज राइट, ये हमने देख लिए थे सारे, सामर्डी है स्वर्णपटी है संघाई ये सब हो गया था, आगे देखते हैं। ये क्या बोल रहा है रेड सैंडल्स के बारे में बताइए, रेड सैंडल्स कहाँ पे दिखा था ये पेड़, तो जैसे कुत्ता मूवी में जो दिखाया गया था वही वाला रेड सैंडल्स है, बहुत कम पाया जाता है, तभी इसकी तस्करी होती है और बहुत महंगा ये बिकता है। ठीक है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, डेसिडुअस है, इंडेंजर्ड है डेसिडुअस है, और कहाँ पाई जाती है तो ये आंध्र प्रदेश के सेसाचलम हिल्स पे पाई जाती है, एंडेमिक है वहां पे सेसाचलम हिल्स पे, साइटिस के लिए 2 में है और WPA के भी 2 में है, मतलब 2 वाले में क्या होता है लुक अलाइक स्पीसीज पे भी परमिट लेना पड़ता है, आप कोई पेड़ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो रेड सैंडल्स की तरह दिख रहा है तो उस पर भी क्या लेना पड़ेगा, एक परमिट लेना पड़ेगा, इसलिए क्या है साइटिस 2 में रख दिया गया क्योंकि इसकी तस्करी होती है, ये आंध्र प्रदेश से निकाल के फिर भेजा जाता है जापान में, जापान में इसका बॉयलिंग बनता है, तो इसलिए इसका आंसर देखते हैं, इट इज पीसफुली फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं इंडेसिडस में पाई जाती है, तो क्यों गलत हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 ओनली, आंसर क्या इसका देखिए 1 ओनली, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं पाई जाती, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ये पुष्पा मूवी में जो जिसकी मतलब तस्करी हो रही थी इस पेड़ की वही है रेड सैंडल्स। ये पूछा गया ये 3 स्पीसीज आपको दे रखी है, हेलो मार्मोट और पाइनोले, इसमें पूछ रहा है
कि प्रेडेटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रोल अप देयर बॉडी, इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो अपने आप को रोल अप कर लेते हैं, इस तरह से रोल कर लेते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए। तो पेंगुलिन रोल अप कर लेगी, हेडहॉग कर लेगा, मार्मोट नहीं कर पाएगा, है ना। मार्मोट एक रोडेंट होता है, इंडियन स्क्विड टाइप का, बहुत मोटा सा रोडेंट होता है, वो रोल नहीं कर पाता है। ये दोनों जब भी इस पे कोई हमला होता है, बाहर का आदमी कोई इसे पे हमला करता है पेंगुलिन पे या हेडहॉग पे, तो फिर वो अपनी बॉडी को रोल कर लेते हैं। सो 1 and 3 आर राइट। तो एक बार देख लेंगे इसे पेंगुलिन को और हेडहॉग। ठीक है, पेंगुलिन रोल कैसे करता है अपनी बॉडी को देख लेंगे। जब भी इस पे कोई हमला होगा तो अपनी बॉडी को ही रोल कर लेगा। यह है पेंगुलिन और ये रोल करता है कैसे, जैसे टर्माइट्स को खाता है ना, इसे कहा गया टर्माइट्स को। ये इस तरह से अपनी बॉडी को रोल कर लेगा और इसकी बॉडी जो है बहुत हार्ड होता है, जो इसके ऊपर होता है बहुत ही हार्ड स्केलेटन इसके ऊपर पाया जाता है, केराटिन का बना हुआ है ना, केराटिन। केराटिन जो हमारे नाखून में केमिकल पाया जाता है वो होता है केराटिन। सो इस तरह से अपनी बॉडी को ही रोल कर लेगा। और अब देखो हेडहॉग, हेडहॉग क्या है, उसमें स्पाइंस लाइक हेडहॉग इस तरह का होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पाइंस होते हैं इसकी बॉडी के अंदर, इसलिए अपनी बॉडी को जब भी रोल कर लेता है तो सिर्फ स्पाइन स्पाइन ऐसे खड़े हो जाते हैं, और जब भी इसे कुछ छुएगा ना, प्रेडेटर कोई भी एनिमल से छुएगा तो उसके ये सीख लग जाते हैं, है ना, उसके ये कांटे लग जाएंगे। ये हो गया हेडहॉग। थोड़े से क्वेश्चन बच जाते हैं, ये चैटिंग लाइन वाला बचा है ना, एक ही लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, एसियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, बिल्कुल ठीक है, जितने इसमें पार्ट में पाया जाता है और कहीं एसियाटिक लाइन आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना। डबल हम्प कैमल अभी कभी देखा है यहाँ पे इंडिया में, डबल हम्प कैमल ये नहीं होगा, है ना, इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये गलत है। फिर पन्नान राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये भी गलत है, और कई देशों में भी आप पन्नान राइनो को दे सकते हो, तो सिर्फ वन वाला ही सही हो जाएगा, वन ओनली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए जितने भी हमने देख लिया आज, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस में। तो कल हम और डिटेल स्टडी करेंगे इस पे, इस चीज पे, और आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, ठीक है।